हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ जो है वो सीए फाइनल का एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमने आपके साथ स्टार्ट किया था फॉर मई एंड नवंबर 2024। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमारा आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स वो खत्म हो जाएगा। फिर हम कल की क्लास से आपके साथ अगली क्लास से हम आपके साथ पीजीबी भी शुरू करेंगे। अच्छा, अब मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बहुत कुछ बेसिक सी बातें की थी, आज जो है हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम आपके साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ताकि हमारा टैक्स रेट जो है वो हमारा अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। अब मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। याद करें, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ रिवाइज किया था कि इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 ने सेक्शन 115 BAC को डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम बना दिया है। किसी जमाने में ये ऑप्शनल होता था। सर आप पिछले जमाने की बात क्यों कर रहे हो? पिछले जमाने की बात नहीं साहब, ये फाइनेंस एक्ट 2022 की बात है। और वो बच्चे जो कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या वो बच्चे जो कि जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया था उनके लिए हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं उनके लिए तो साहब कोई मतलब इशू नहीं है, बट जो बच्चे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट वगैरह दिया था उनके लिए कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि उनको लगेगा कि हमने तो 115 BAC ऑप्शन पढ़ा था, अब वो आपका डिफॉल्ट है। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ये चाहे तो 115 BAC से ऑप्ट आउट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6। अच्छा, अगर ये ऑप्ट आउट करेंगे तो फिर ये ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाएंगे और ये 115 BAC से बाहर हो जाएंगे। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की बात करता हूं तो सेक्शन 115 BAC रिजीम और ऑप्शनल रिजीम, क्योंकि हमने आपके साथ लास्ट क्लास में भी बात की थी, इन दोनों का स्लैब रेट अलग अलग है, इन दोनों का टैक्स रेट भी अलग अलग है क्योंकि स्लैबरिटी अलग अलग है। अच्छा, इन दोनों में डिडक्शंस अलग अलग तरीके से अलाउ होते हैं। इन दोनों का चैप्टर 6A का भी डिडक्शन अलग का भी अलग अलग है और इन दोनों में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मैकेनिज्म भी थोड़ा सा अलग है। अच्छा, इनमें क्या सेम है? इनमें रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेम है। इनमें क्लबिंग के प्रोविजन ये सेम, ठीक बात है। अच्छा, हमने जैसे कि आपको के साथ लास्ट क्लास में बात की थी कि जो टैक्स रेट है हमारा वो हमें कहां कहां देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एसएससी के अदर देन स्पेशल इनकम बोले तो कि साहब वो इनकम जिसके लिए चैप्टर 12 ने अलग से कोई टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, और दूसरा हो गया स्पेशल इनकम। तो अगर हम स्पेशल इनकम की बात करें, जैसे जैसे साहब शॉर्ट टर्म कैब गेन अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, लॉटरी इनकम, ऑनलाइन गेमिंग इनकम वगैरह वगैरह, इसके लिए चैप्टर 12 ने स्पेसिफिक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है। तो अदर इनकम हमेशा इसी रेट पे जाकर टैक्स होगा। अदर देन स्पेशल इनकम जो है फिर हमें देखना पड़ेगा कि एसएससी ने डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में अपने आप को रखा हुआ है, मीन्स 115 BAC, या इससे वो ऑप्ट आउट कर चुका है, मीन्स वो ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जा चुका है। ठीक बात है। अच्छा, ये सारी बातें हमने आपके साथ लास्ट क्लास में देखी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, और हाँ ये ना ये रेसिडेंट भी हो सकते हैं और ये नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने आपके साथ बार बार बात की कि सेक्शन 115 BAC इज अ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम और अगर ये चाहे तो इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 115 BAC 6। ठीक, अच्छा, मेरे साथ साथ देखेंगे सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार ने कहा था, या अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हम ना सेक्शन 115 BAC के थ्रू एक कॉम्पिटेटिव या एक बेनिफिशियल टैक्स रिजीम प्रोवाइड करना चाहते हैं टू प्रोवाइड अ टैक्स बेनिफिशियल रिजीम टू द एसएससी। और ये बात कुछ हद तक सही है उन एसएससीज के लिए जो कि जिनकी सैलरी अच्छी खासी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा कंपेरिजन बताता हूँ, छोटा सा कंपेरिजन, बिल्कुल हम कह सकते हैं प्लेन कंपेरिजन। अगर आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चल थोड़ा सा आपके साथ बात कर लेते हैं। अगर मैं लेट्स से एक इंडिविजुअल हूं और लेट्स से जो मेरी जो सैलरी है, लेट्स से वो है 30 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 115 BAC में रहूं, दूसरा मैं ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में रहूं। अगर मैं 115 BAC में हूं तो 30 लाख की सैलरी पे मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा, एक बहुत ही बेसिक हम अगर आपके साथ एग्जांपल लें तो वो मुझे टैक्स इतना देना पड़ेगा 6 लाख रुपए का। मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा डेट वुड बी 6 लाख रुपीज, और अगर मैं ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में आता हूं
तो ये मेरा जो टैक्स अमाउंट बढ़ के हो जाता है 7,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सैलरी 30 लाख रुपए है, बहुत ही प्लेन एग्जाम्पल है ये, दिस इज अ वेरी 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 बेसिक एग्जाम्पल। तो सेक्शन 115 बीएसी आपको 6 लाख रुपए का टैक्स के बारे में कहता है और ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम आपको 7,12,500 रुपए के टैक्स के बारे में कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका सेक्शन 115 बीएसी रिजीम जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होता जाता है। हाँ, एक एक्सटेंड के बाद अगर आप एक एक्सटेंड के बाद जो है फिर इसमें जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। बट मुद्दे वाली बात यह है कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी रिजीम का एनालिसिस करते हैं, दिस रिजीम इज मच मोर इंटेंडेड टुवर्ड्स दोज इंडिविजुअल्स और टुवर्ड्स दोज एसोसिएट्स हु आर रनिंग हायर मनी, मतलब हु आर रनिंग ह्यूज मनी। अच्छा, अभी कैसे होते हैं हम इसके बाद आपके साथ अभी करेंगे। चल तो फिर एक एक करके बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ। तो मैं अगर एक इंडिविजुअल हूं, एचईएफ हूं, एओपी हूं, बीओआई हूं या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हूं, तो मेरे लिए 115 बीएसी एक डिफॉल्ट रिजीम है। मुझे अगर इससे ऑप्ट आउट करना है तो मैं इससे ऑप्ट आउट कर सकता हूं, और ऑप्ट आउट मैं कैसे कर सकता हूं, एज पर सेक्शन 115 बीएसी 6। अच्छा, ऑप्ट आउट करने का मेकानिज्म क्या है? मुझे आईटीआर को के ड्यू डेट के पहले, आईटीआर फाइल करने के ड्यू डेट के पहले मुझे फॉर्म नंबर 10 आईईए सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक। अच्छा, अब आप कैसे कैसे ऑप्ट आउट कर सकते हो इस बारे में थोड़ा सा हम आपके साथ बात कर लेते हैं। चूंकि इंडिविजुअल एचईएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी इन पांचों लगों के लिए लॉ मेकर ने ये क्लियर बता दिया है कि 115 बीएसी रिजीम में आपके ऊपर अप्लाई करेगा। आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते तो हम आपका पूरा का पूरा टैक्स का कंप्यूटेशन, इनकम का कंप्यूटेशन 115 बीएसी के हिसाब से करेंगे। अच्छा, ऑप्ट आउट का मेकानिज्म क्या है कि आप फॉर्म नंबर 10 आईईए फाइल कर दें, आईटीआर की ड्यू डेट के पहले फाइल कर दें। अच्छा, अगर ऐसे एसएससी जिनके पास पीजीबीपी इनकम नहीं है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज, मतलब रिटायर्ड एसएससी, अच्छा, वो हर साल अपने आईटीआर को फाइल करते समय, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय या ऐसे एम्प्लॉय जो कि बेसिकली मतलब रिटायर वगैरह हो चुके हैं, जिनके पास हम कह सकते हैं कि पैसिव इनकम आता है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम वगैरह वगैरह, वो हर साल चूज कर सकते हैं कि उनको 115 बीएसी रिजीम में रहना है या उससे ऑप्ट आउट करना है। अगर वो ऑप्ट आउट नहीं करते तो फिर वो 115 बीएसी रिजीम में रहेंगे, बट इनके पास हर साल एनुअल इनके पास ये ऑप्शन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट से मिस्टर इज अ सैलरीड एम्प्लॉय, मतलब मिस्टर इज अ एनी पर्सन जिसका पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो मिस्टर ए जो है वो हर साल इस बात को चूज कर सकता है कि वो 115 बीएसी रिजीम में रहना चाहता है। अगर वो नहीं रहना चाहता तो फॉर्म नंबर 10 आईईए भर के दे दे और वो उससे ऑप्ट आउट हो जाएगा। फिर उसके जो टैक्स का कंप्यूटेशन, इनकम का कंप्यूटेशन जो है वो ऑप्शनल रिजीम के हिसाब से होगा, ठीक है। मुद्दे वाली बात की, अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है, तो क्या होगा? अगर डियर आपकी पीजीबीपी इनकम है तो आप 115 बीएसी रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बट अगर एक बार आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम ही रहेगा। फिर से, अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है और आपने अगर 115 बीएसी रिजीम से ऑप्ट आउट कर दिया तो हमेशा के लिए आपके लिए अब ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम ही रहेगा। पर सर, मैंने ना गलती से ऑप्ट आउट कर दिया, मुझे एक मौका तो दो। ठीक, जिस प्रीवियस ईयर में आपने ऑप्ट आउट किया उस साल आपके लिए ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम, आप उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में दोबारा से ऑप्ट आउट का अपना ऑप्शन विड्रॉ कर सकते हैं। फिर से, ऑप्ट आउट का अपना ऑप्शन विड्रॉ करके दोबारा से 115 बीएसी रिजीम में री एंटर हो सकते हैं। बट इस बार अगर आप री एंटर हो गए तो सर जी ध्यान देना, इसके बाद हम आपको इस रिजीम से बाहर जाने नहीं देंगे। अच्छा, फिर से ध्यान दीजिएगा, एसएससी नो पीजीबीपी, कोई पीजीबीपी नहीं है साहब, हर साल एनुअली आईटीआर को फाइल करते समय आप इस चीज को चूज कर सकते हैं कि आपको 115 बीएसी में रहना है या आपको ऑप्ट आउट करना है। तो आप अपने सीए सर को बोल दें कि सर जी दोनों रिजीम के हिसाब से मेरे टैक्स और मेरा इनकम निकाल दो, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल है मुझे अकॉर्डिंगली उस वाले रिजीम में रख दो, कोई परेशानी नहीं। एसएससी हैविंग पीजीबीपी, यहां पे क्या होगा, यहां पे
आप अगर ऑप्ट आउट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक बार आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो फिर आप हमेशा के लिए ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए तो ना डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल था, तो आप दोबारा से ऑप्ट इन कर सकते हैं, मीन्स आप अपने ऑप्ट आउट वाले ऑप्शन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप दोबारा से 115 बीएससी में आ गए। इस बार जब आप 115 बीएससी में आएंगे तो साहब इसके बाद फिर आपके पास अब ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन नहीं है, फिर आप कभी भी ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीइंग अ सीए आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसकी पीजीपी इनकम है, तो आप उसको ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 115 बीएससी से, इसकी एडवाइस बहुत सोच समझ के देना। फिर से, आप एक सीए हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसकी पीजीपी इनकम है, आप उसको 115 बीएससी रिजीम से अगर ऑप्ट आउट करने का बोलते हो तो ये एडवाइस बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि एक बार अगर वो 115 बीएससी से ऑप्ट आउट हो गया तो फिर उसके पास तो उसके ऊपर हमेशा ऑप्शन लगेगा। सिर्फ एक उसके पास मौका है कि वो दोबारा से ऑप्ट इन कर सकता है, बट एक बार अगर वो ऑप्ट इन कर गया तो फिर वो कभी ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसा ऐसे जिसकी पीजीबी इनकम नहीं है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो हर साल उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑप्ट इन रहना चाहता है, वो ऑप्ट आउट करना चाहता है। ठीक बात है। आज जल्दी से आगे आते हैं। तो मैं आपके सारे पहले ही बात की थी कि जो ओल्ड टैक्सेशन रिजीम, इट इज स्टिल द प्रेफर्ड टैक्सेशन रिजीम, जो कि ज्यादातर लोगों ने इसको प्रेफर किया हुआ। ठीक है, चले फिर, अब मतलब टाइम पास नहीं करते साहब, अब मेन हम अब हमारी मेन क्लास में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे एसएससीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल एचईएफ, एओपी, बीओवाई और एजेपी। इनके लिए आपको पता है सर, आपके भी कान पक गए होंगे सर, बार बार एक ही बात बता रहे हो आप, 115 बीएससी ऑप्शनल है, इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 115 बीएससी रिजीम की, इसके बाद की रिजीम की बात करेंगे। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 115 बीएससी रिजीम में रहते हैं, मीन्स अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते तो आपके लिए टैक्स का रेट क्या है? अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं। 3 लाख रुपए 1 से लेकर 6 लाख रुपए तक 5%, 6 लाख 1 से लेकर 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ज्यादा पे 30%। तो याद करें, ये कि बहुत ज्यादा आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। याद करें, इसके पहले क्या था? 2.5 लाख रुपए तक मिल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे 30%। इसमें 2 स्लैब ज्यादा है। पहले 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 25 नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, और 15 से जितना ज्यादा उस पर 30%। तो सर फिर क्या कहना चाहते हो? तो सर कोई इसको मतलब सिंप्लीफाई करने का कुछ बताओ। अच्छा, तो अगर आपकी टोटल इनकम लेट से 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? अगर आपकी टोटल इनकम लेट से 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में टैक्स का अमाउंट कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहां तक पूरा जो सम आता है ना डियर, 15 लाख रुपए तक, ये 1.5 लाख रुपए आता है। यहां तक पूरा का पूरा जो सम है ये 1.5 लाख रुपए तक। तो जैसे कैसे, अप टू 3 लाख निल, 3 से 6 5% बोले तो 3 लाख का 5% कितना होता है सर? 15,000 रुपए। अच्छा, 6 से 9 10% कितना होता है? 30,000 रुपए। 9 से 12 कितना होता है? 15%, 45,000 रुपए। 12 से 15 कितना होता है? 3 लाख 20%, 60,000 रुपए। अच्छा, और अगर आप इसका सम टोटल करेंगे तो ये कितना हुआ? 90 और 60, 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में अपने आप को रखते हैं तो 15 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पे जो टोटल टैक्स का अमाउंट बनता, जो मतलब टैक्स का अमाउंट बनता है, डेट इज 1,50,000 रुपए, और 15 लाख से जितना ज्यादा है उसका 30%। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आपकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए है और अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं तो आपका टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा? सर 20 लाख रुपए में से 15 लाख का तो बन गया 1.5 लाख, और 5 लाख का बन गया 30% बोले तो 1.5 लाख, मतलब 3 लाख रुपए। अच्छा, तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं डियर, तो आपके ऊपर ये स्लैब रेट अप्लाई करेगा। पहले 3 लाख निल, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर में 30%। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर आपका टैक्स का, अगर आपका टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है उस केस में 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस टोटल इनकम माइनस 15 लाख इंटू 30%। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो स्लैब रेट है डियर, बहुत ध्यान से, मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ कर रहा हूं। ये जो स्लैब रेट है, दिस स्लैब रेट इज सेम फॉर इंडिविजुअल एचईएफ, एओपी, बीओवाई, एजेपी। इंडिविजुअल वो 25 साल का भी हो सकता है, इंडिविजुअल वो 85 साल के भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल वो किसी भी एज के हो सकते हैं। तो सर आप ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि डियर अब जो ऑप्शनल रिजीम है, जो किसी जमाने में डिफॉल्ट होता था, उसमें आपको पता है उसमें 3 स्लैब है इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल 60 साल तक का, 60 से 80 साल तक के, और 80 से अधिक के, तो उस केस में ना 3 स्लैब है। बट अब ऐसा नहीं है,
115 बीएसई में एक ही स्लैब है, तो इंडिविजुअल रहे, इंडिविजुअल का कुछ भी एज हो, मतलब इंडिविजुअल ऑफ एनी एज, अच्छा एओपी हो, एचयूएफ हो, बीओआई हो, या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट, ठीक बात है, इनको इनके पास इन सबके लिए एक ही स्लैब है। और एक और छोटी सी बात, वो ये जो स्लैब है ये किस इनकम पे लगेगा सर, अदर देन द स्पेशल इनकम, जिसके लिए अलग से टैक्स रेट्स, जिसके लिए अलग से टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है, जैसे एलटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, अच्छा शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112A, लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स वगैरह वगैरह, मतलब देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। अच्छा तो ये जो आपका स्लैब है, दिस इज द स्लैब रेट विच इज एप्लीकेबल ऑन इनकम अदर देन द स्पेशल इनकम, जिसके लिए अलग से स्पेशल रेट अलग से मेंशन है। तो ये बात आपको क्लियर है। अच्छा मैं छोटा सा इसका कंपैरिजन करा रहा हूँ ऑप्शनल रिजीम से, ऑल्दो हम ऑप्शनल रिजीम के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ऑप्शनल रिजीम जो पहले डिफॉल्ट होती थी, जो अब ऑप्शनल बन गई, उसमें सब तीन स्लैब रेट हैं, वो अलग अलग हैं, बट इसका अगर मैं एक बेसिक स्लैब रेट लूँ, सो दिस इज द बेसिक स्लैब रेट सर, क्या अप टू 2.5 लाख नल, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से लेके ₹10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे 30%। तो मैं छोटा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपीज है, अगर आप ऑप्शनल रिजीम में रहते हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी आती है वो आती है 1,12,500, ठीक बात है। अच्छा अब लेट से एक छोटा सा कंपैरिजन की, मान लीजिए कि कोई एसएससी है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए, अगर वो डिफॉल्ट रिजीम में रहता है, डिफॉल्ट रिजीम बोले तो 115 बीएसई, तो 15 लाख पे उसका अमाउंट कितना बनेगा टैक्स का सर, 1.5 लाख रुपए, यही तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा बट अगर वो ऑप्शनल रिजीम में जाता है, तो 15 लाख पे टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा सर, अप टू ₹10 लाख, 1,12,500, 10 लाख से जितना ज्यादा होगा उस पर 30%, तो इसका मतलब 90,000 प्लस 1,12,500, तो इसका मतलब ये होगा 2,02,500। अच्छा हाँ अप टू 10 लाख, 1,12,500, 10 लाख से जितना ज्यादा उसका 30%, मतलब 5 लाख का 30%, तो सर 5 लाख का 30% कितना बनता है, 1,50 प्लस 1,12,500, अच्छा हाँ मतलब 2,62,500 जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर आपकी टोटल इनकम लेट्स से 15 लाख रुपीज है, और अगर आप ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम के लिए ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगा वो बनेगा करीबन करीबन 2,60,000 रुपए, बट अगर आप डिफॉल्ट रिज्यूम में रहते हैं, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,50,000 रुपए। इसका मतलब कि इसके सरकार ने आपको बेनिफिट तो दिया है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार ने आपको बेनिफिट नहीं दिया। मुझे बताएं क्या आप इस बात को क्या आप मतलब डिनाई कर सकते हैं कि सरकार ने आपको बेनिफिट नहीं दिया? नहीं सर, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो सर क्या सरकार आपको बेनिफिट कोई भी फ्री में देने वाली है? नहीं सर, सरकार आपको कोई भी बेनिफिट फ्री में नहीं देने वाली। सरकार ने बहुत सारे डिडक्शंस और बहुत सारे अलाउंसेस जो कि अदरवाइज अवेलेबल थे 115 बीएसई के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो कौन कौन से डिडक्शंस और अलाउंसेस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सैलरी हेड में, ऑल्दो सैलरी हेड सीए फाइनल के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप 115 बीएसई रिजीम में रहते हैं मीन्स ऑप्ट आउट नहीं करते, रहते हैं, तो सैलरी हेड में आपको सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 10(5) में डिडक्शन कितना मिलता है, डेट इज नॉट योर कॉल, ये इंटर वाले बच्चों के लिए, बट आपको बस आपको ये याद रखना है कि सैलरी हेड में 10(5) का लीव ट्रेवल कंसेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक बात है। अच्छा दूसरा, एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर एचआरए का डिडक्शन कितना मिलता था, ये अगेन इंटर वाले बच्चों का कॉल है, आपको इसके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि वो एचआरए का डिडक्शन कितना मिलता है टीयर 1 टीयर 2 सिटी में, उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर दे, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। तीसरा, आपको स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 10(14) में नहीं मिलेंगे। हाँ, चार तरीके के स्पेशल अलाउंसेस मिल जाते हैं, कौन कौन से, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा, कन्वेंस अलाउंस अलाउड हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एन एम्प्लॉई हु इज ब्लाइंड डीफ डम्ब एक्सेट्रा, उस केस में ₹3,200 per month तक का आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 10(17) एमपी एमएलए का डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 10(32) ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपके साथ क्लबिंग ऑफ इनकम देखेंगे, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो साहब सेक्शन 10(32) कहता है कि अगर माइनर की इनकम जो होती है ना वो उसके पेरेंट के हैंड में क्लब हो जाती है,
तो जब माइनर की इनकम उसके पेरेंट के हैंड में क्लब होगी तो पेरेंट को सेक्शन 1032 में 1500 रुपये पर चिल्ड्रन पर ईयर का डिडक्शन मिलता है। बट अगर पेरेंट डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में है, मीन 115 BAC में है, तो वो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो अगर पेरेंट अगर ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में है तो ये 1500 रुपये का डिडक्शन सेक्शन 1032 में उसको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी बात की थी कि जो सैलरी हेड है उसमें सिर्फ तीन प्रकार के डिडक्शंस अलग से अलाउड है, और वो तीन प्रकार के डिडक्शंस कौन कौन से हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। अच्छा, बहुत ध्यान से, फाइनेंस एक्ट 2022 तक। क्यों सर ये बात कहनी क्यों जरूरी है? उन बच्चों के लिए जो कि रोल ओवर कर रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 तक जब तक 115 BAC ऑप्शनल रिजीम था, डिफॉल्ट नहीं था, उस समय तक सैलरी हेड में तीनों डिडक्शंस मना कर दिए गए थे कि अगर आप 115 BAC रिजीम में जाते हैं तो आपको सैलरी में किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मीन्स आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। ठीक बात है। उसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने 115 BAC रिजीम कभी ऑप्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने सरकार की 115 BAC रिजीम को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि साहब आप सैलरी में आप अलाउ ही कुछ नहीं करते, आप 50,000 रुपये अलाउ कर रहे हो, आप उसको भी मना कर रहे हो, तो फिर हम 115 BAC में की तरफ हम क्यों जाएं? आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा सर, ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये तो मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, बताएं। अच्छा सर, ये प्रोफेशनल टैक्स मिल रहा है, ज्यादातर राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स एज इट इज कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये इररेलेवेंट सी बात है। ठीक बात है, बट हाँ ये है, मतलब इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सैलरी हेड में एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसके लिए जो सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं रिलीफ होती है, अब साहब 50,000 रुपीज के में क्या रिलीफ, बट एनी हाउ कोई भी जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे बेसिक जो रिलीफ होती है वो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। आर यू गाइस गेटिंग? ये डिडक्शन किसी जमाने में 20,000 रुपए होता था, जिसको अरुण जेटली साहब ने बढ़ा के 50,000 रुपए किया था। तो ये सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए वैसे यही एक हम कह सकते हैं रिलीफ होता है, और आप उसको भी छीन रहे हो। ठीक है, तो 115 BAC रिजीम इसलिए फ्लॉप हो गया था जब ये पहले था। अब चूंकि 115 BAC रिजीम जो है ये डिफॉल्ट रिजीम बन गया, और अगर आप अभी भी यही गलती करोगे तो जिन 37% लोगों ने 115 BAC को ऑप्ट में रहे हैं वो भी नहीं रहते, वो भी इससे बाहर निकल जाते। तो इसलिए सरकार ने गलती नहीं की और कहा कि ठीक है साहब, अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी का है 50,000 रुपए, वो हम आपको अलाउ कर देंगे। तो इसका मतलब सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए ये 115 BAC रिजीम में भी मिलेगा और ये ऑप्शनल रिजीम में भी मिलेगा। पर अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सर फिर आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, तो अगर मैं लेट्स से डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहता हूं और अगर मैं ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाता हूं, तो अगर मैं डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहता हूं तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 ये मिल जाएगा और ऑप्शनल रिजीम में भी मिल जाएगा। अच्छा, क्या मुझे प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर। क्या मुझे ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ सर। क्या मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा इन द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम? नहीं सर। क्या मुझे ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ सर। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल लुक। मतलब ये हुआ कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 BAC में रहते हैं तो सैलरी हेड में सिर्फ और सिर्फ आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको भूल जाओ। सर ये छोटी सी बात थी, इसको इतना ज्यादा आपने समय क्यों लगा दिया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। सैलरी हेड हमने देखा, तो अगर आप 115 BAC रिजीम में अपने आपको ऑप्ट इन रखते हैं, मीन्स अगर आप इससे ऑप्ट आउट नहीं करते तो उस केस में आपका 10-5 आपको लूज करना पड़ेगा, 10-5 का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 10-13A का HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, 10-14 स्पेशल अलाउंस का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रैवलिंग मिल जाएगा, डेली मिल जाएगा, कन्वेंस मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। ये कितना अलाउंस होता है आपको इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। अगर किसी बच्चों को सही में अगर इसको पढ़ना है तो वो इंटर की किताब ओपन करके पढ़ सकता है, बट ICAI मना करता है। ठीक है, सेक्शन 1017 MPML अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1032 नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1032 कहता है कि 1500 रुपए पर माइनर चिल्ड्रन जो कि क्लब होंगे उसका जो है वो पेरेंट उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ये भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 जो कि सैलरी के मतलब डिडक्शन की बात करता है, वो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको दे देगा, इसके अलावा वो प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन, प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं देगा। ठीक बात है। हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करते हैं।
हमने आपके साथ पहले भी बात की थी डियर कि हाउस प्रॉपर्टी ना सिर्फ तीन प्रकार के खर्चे अलाउ करते हैं, और वो तीन प्रकार के खर्चे कौन कौन से हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस रेट्स वगैरह, दूसरा आता है आपका नॉशनल डिडक्शन ऑफ 30%, और इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा डियर फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी ना कई तरह की हो सकती है। एक हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है जो कि डीम टू बी लेट आउट है, और एक हाउस प्रॉपर्टी होती है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। ठीक बात है। अच्छा ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट है उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट है उस केस में आप आराम से 30% नॉशनल डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, और इंटरेस्ट का आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं टू एनी एक्सटेंट, कोई परेशानी नहीं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डीम टू बी लेट आउट है उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानी कहां पे आती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज के लिए। सारी परेशानी कहां आती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए सारी परेशानी क्यों आती है, क्यों? क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो होती है डियर, उस केस में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जो जीएवी होता है, वो होता है निल। मतलब युवा की सरकार का कुछ भी इसमें हिस्सा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो जो जो मतलब जीएवी है डेट इज निल। ठीक बात। अच्छा जीएवी निल होने की वजह से ना तो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड होते हैं, ना आपको 30% का नॉशनल डिडक्शन अलाउड होता है, ना आपको म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड होते हैं, ना आपको 30% का नॉशनल डिडक्शन अलाउड होता है। हाँ इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है कुछ एक्सटेंट तक, और वो एक्सटेंट कितना है, मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है। पर अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 BAC में रहते हैं, सरकार कहती है कि साहब हमने आपको ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव या एक बहुत बेनिफिशियल टैक्सेशन रिजीम दिया हुआ है, तो हम आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते। तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं, तो अगर आप कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो वो इंटरेस्ट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो इंटरेस्ट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब ये जो इंटरेस्ट है अब आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप सेल्फ आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, और अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, जो कि जो लोन आपने उस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहना चाहिए या फिर आपको ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम आपको इस इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहा। आर यू गाइस गेटिंग? ऑप्शनल आपको अलाउ कर देगा। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हम हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करें, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम आपको अलाउ नहीं कर रहा। सर तो अगर सेल अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ नहीं कर रहा, तो क्या 30% का नॉशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, क्या वो अलाउ कर देगा? वो तो साहब सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको अलाउ होते ही नहीं किसी भी रिजीम में। क्या हमने अगर कोई म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए, क्या वो अलाउ हो जाएंगे? साहब वो भी अलाउ। ठीक है। अच्छा देखेंगे, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट अलाउबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टीज। तो अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें इंटरेस्ट की अलाउबिलिटी की कोई परेशानी नहीं है, आप इंटरेस्ट को एनी एक्सटेंट तक क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर। हाउस प्रॉपर्टी हेड एक बहुत ही यूनिक हेड है। अच्छा तो जैसा कि हमने आपके साथ बात की कि यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, और लेट आउट या फिर डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। अच्छा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके लिए नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, 115 बीएसी की बात नहीं कर रहा, उनके लिए जो जीएवी आता है या जो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आता है वो निल आता है, पर हाँ इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है, और 2,00,000 रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है। तो साहब मेरी तो इस हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम ही नहीं है, तो फिर ये जो 2,00,000 रुपए का जो इंटरेस्ट अलाउड हो गया, मतलब 2,00,000 रुपए का जो एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया विदाउट हैविंग एनी कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम, तब तो ये 2,00,000 रुपए का पूरा लॉस बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो आपके हाउस प्रॉपर्टी से 2,00,000 रुपए का लॉस बन गया, आपके हाउस प्रॉपर्टी से 2,00,000 रुपए का लॉस बन गया। क्या मेरी बात समझ पाए? अब लेट्स से सर मेरे पास ना बस एक ही हाउस प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और मैंने उसके लिए लोन लिया था जिस पे मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, और लेट से 2,00,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे अलाउड हो गया, तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम क्या है? निल। पर हाँ एक्सपेंडिचर कितना है? 2,00,000, जिसकी वजह से मेरा लॉस कितना बन गया? 2,00,000। अच्छा अब इस लॉस का क्या होगा? आप इस लॉस को बाकी हेड ऑफ इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, यू कैन सेट ऑफ दिस लॉस विद अदर हेड्स ऑफ इनकम। ठीक बात है। बट मजेदार बात क्या है कि हम आपके साथ सेट ऑफ में ना एक प्रोविजन देखेंगे, सेक्शन 71B, जो कहता है हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो बाकी हेड्स ऑफ इनकम से मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक की सेट ऑफ होता है। फिर से, हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो बाकी हेड ऑफ इनकम से मैक्सिमम 2,00,000 रुपए तक की सेट ऑफ होता है।
अच्छा मान लीजिए कि मेरे पास एक और हाउस प्रॉपर्टी है जो कि लेट आउट है, बट ये महीने में सिर्फ एक महीने ही लेट आउट हो सके, बाकी समय ये खाली पड़ी रहे, उस केस में मुझे इंटरेस्ट जो है वो किसी भी एक्सटेंट तक अलाउड होता है बिकॉज द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। तो लेट से इस वाले जो मेरे पास एक और हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 2, उसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया 5 लाख रुपए, मेरी इनकम बनती है इसमें 1 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए का लॉस है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 1 और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 2, तो मेरे पास कुल मिला के लॉस कितना हुआ सर, 6 लाख रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए, मेरे पास कुल मिला के लॉस कितना हुआ, 6 लाख रुपए। तो सर ये हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ये क्या बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक। सेक्शन 71B कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाकी हेड ऑफ इनकम से 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो सकता है। क्या ये बात समझ पाए। अच्छा अब असली कहानी शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा, अब असली कहानी शुरू होती है। हमने ये जो बात आपके साथ की ये जनरल या फिर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट है जो कहता है सेक्शन 71B के हिसाब से कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बाकी हेड ऑफ इनकम से 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो सकता है, ठीक बात है। अच्छा अब होता क्या है, बहुत ध्यान से, अब होता क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे साहब, होता क्या, अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं, अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरे किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, वो लॉस नॉर्मल सिचुएशन में भी 2 लाख रुपए तक ही आप बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट वो 2 लाख भी आप नहीं कर सकते अगर आप 115 BAC में रहते हैं। इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ज्यादातर लोगों ने 115 BAC को छोड़ दिया, कहा कि नहीं साहब जा तुझको बुला दिया, ज्यादातर लोगों ने 115 BAC ऑप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने उसमें रिस्ट्रिक्शन ही इतना लगाया हुआ है। मतलब ये हुआ कि आप एक छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देने के बहाने, उसके एक छोटा सा लॉलीपॉप देने के बहाने उसके पास जो मीन्स डेयरी मिल्क 100 रुपए का, आप उससे वो अगर आप मतलब हथिया लोगे तो छोटा बच्चा एक बार तो बेवकूफ बन जाएगा, क्या बार बार बेवकूफ बनेगा, नहीं सर। आर यू गाइस गेटिंग? तो आप छोटे बच्चे को भी आज के समय आप मतलब बेवकूफ नहीं बना सकते। आप उसको 1 रुपए की मतलब टॉफी देके उसे आप 10 रुपए का डेयरी मिल्क उससे आप नहीं ले सकते। आर यू गाइस गेटिंग? तो फिर आप इतने समझदार लोगों को कैसे बेवकूफ बना सकते हो। तो इसलिए ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं साहब हमें आपका 115 BAC, हमें आपका 115 BAC चाहिए। तो सर जब ज्यादातर लोग जब ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो फिर इंस्टीट्यूट हमें क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि साहब बीइंग अ सीए आप ही तो बताओगे कि 115 BAC में रहना या फिर नहीं रहना। जब आप ही नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर आप तो फिर आप अपने क्लाइंट को कैसे बताओगे? आई गेस गेटिंग? अच्छा तो मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर मेरा लॉस है अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में अगर मैं डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहता हूं तो मैं उस लॉस को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकता। अगर मैं डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट कर देता हूं एज पर सेक्शन 115 BAC 6, उस केस में मैं 2 लाख रुपए का लॉस बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं। बट सर मैंने तो ना मतलब डिफॉल्ट को छोड़ दिया, तो फिर ये 2 लाख रुपए का रिस्ट्रिक्शन क्यों? 2 लाख रुपए का रिस्ट्रिक्शन सर जी सेक्शन 71B के हिसाब से। तो अगर आप ऑप्ट आउट, अगर आप डिफॉल्ट से बाहर भी निकल जाते हो तो भी आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही लॉस आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक बात है। अच्छा तो चले फिर ज्यादा टाइम पास नहीं करते, चलो तो हमने क्या देखा कि अगर आप 115 BAC रिजीम में रहते हैं तो आप सैलरी हेड में 10(5) क्लेम नहीं कर सकते, मीन्स आप LTC का डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, आप सेक्शन 10(13A) का HRA क्लेम नहीं कर सकते, आप सेक्शन 10(14) का स्पेशल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसी तरीके से आप सेक्शन 10(17) MPMLA का अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, 10(32) माइनर चाइल्ड की जो क्लबिंग होती है आप उसके लिए 1500 रुपए का आप उसका एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, और आप सेक्शन 10(16) में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा डिडक्शन। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में आप जो है वो इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है तो आप डिफॉल्ट से बाहर निकल जाए, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर लें, लॉस आ रहा है उसको अपने बाकी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर लें। सो इट इज द बेस्ट थिंग कि आप कर सकते हैं कि साहब आप 115 BAC को बाय बाय कहते हैं। अच्छा
पीजीबीपी हेड में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है इसकी बात करते हैं। पीजीबीपी हेड में कैप गेन हेड में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अदर सोर्सेज गेन में अदर सोर्सेज हेड में भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी जमाने में फैमिली पेंशन के लिए जो आपको 15,000 रुपया 30% अलाउड होता था वो 115 BSE मना कर देता था, अब वो मना नहीं करता। तो इसका मतलब इफेक्टिवली अब अदर सोर्सेज में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, और चैप्टर 6A में आपको क्या क्या मिलेगा? चैप्टर 6A में सिर्फ आपको चार तरीके के डिडक्शंस मिलेंगे। ATCCD 2, मतलब जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में जो पैसे जमा कराता है उसके बारे में। ATCCH 2, ये CCH नया आया है जो कि अग्निवीर्स के लिए है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निवीर्स के अकाउंट में पैसे जमा करती है, अग्निवीर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ATJJAA जो कि न्यू एम्प्लॉयज के लिए होता है, अगर आप न्यू एम्प्लॉयज को जॉब देते हैं तो उस केस में आप जो है न्यू एम्प्लॉयज के सैलरी वगैरह का कुछ परसेंटेज आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। और ATLA अगर आप मतलब गिफ्ट सिटी IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर आपने कोई अपना ऑपरेशन वगैरह किया उससे जो इनकम आएगी उसको आप सेक्शन ATLA में आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, इवन अगर आप 115 BSE में है तो। ठीक है, अच्छा, तो साहब पीजीबीपी हेड में क्या क्या हमें मतलब देखना पड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बाकी सारे के सारे एसएससीज के लिए भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर लेट से कोई मतलब कंपनी एसएससी है जिन्होंने 115 BSE या 115, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी एसएससी है जो 115 BA या 115 BAB ऑप्ट कर लेता है, या कोई कॉपरेटिव सोसाइटी है जो 115 BAD या 115 BAE ऑप्ट कर लेता है, तो इनके लिए भी ना कुछ ऐसा ही है। तो ये अगर आप यहाँ पे अगर इसको अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो साहब बाकी एसएससीज के लिए भी ये कुछ ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि बाकी एसएससीज के लिए अगर आप बात करें तो वहां पे सैलरी हेड नहीं होता, हाउस रोटी भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता, उनके लिए मेन होता है पीजीबीपी हेड। तो जो पीजीबीपी हेड इंडिविजुअल HEF AOP BOY और AJP के लिए, बाकियों के लिए भी कुछ ऐसा ही। अच्छा, तो क्या क्या डिडक्शंस या क्या क्या एक्सपेंडिचर्स या क्या क्या अलाउंसेस एसएससी को नहीं मिलेगा यदि एसएससी 115 BSE में अपने आप को बनाए रखता है तो। अच्छा सर, आपको 10AA नहीं मिलेगा, आपको 33AB नहीं मिलेगा, आपको 33ABA नहीं मिलेगा और आपको 35AD नहीं मिलेगा। इसके पीछे कोई रीजन? सेक्शन 10AA एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए है, जो कि एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप उसका 100% और कुछ साल के बाद 50% तक आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक, सेक्शन 33AB ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है टी कॉफी एंड रबर बनाने वाली कंपनीज या फिर एंटिटीज के लिए। सेक्शन 33AB ये एक सेक्शन 33ABA ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है उन एंटिटीज के लिए जो कि पेट्रोलियम बिजनेसेस वगैरह में इंगेज्ड। सेक्शन 35AD ये बहुत सारे बिजनेसेस को मतलब कवर करता है और उसके लिए बेनिफिशियल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10AA, 33AB, 33ABA और 35AD ऑलरेडी बहुत बेनिफिशियल रिजीम अपने अपने सेक्टर के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सब आप इसको भी क्लेम कर लो और आप 115 BSE भी क्लेम कर लो, ऐसा थोड़ा ना चल रहा है। तो अगर आप 115 BSE में रहोगे तो फिर इन चीजों को छोड़ दो। तो अगर आपको 10AA चाहिए, अगर आपको 33AB चाहिए, अगर आपको 33ABA चाहिए, आपको 35AD चाहिए, तो फिर आप 115 BSE से ऑप्ट आउट कर लो और आप अपने सेक्टर का रिस्पेक्टिव डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जो कि आपके सेक्टर के प्रमोशन के लिए बनाया गया था। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि साहब जो 10AA है ये स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। तो अगर मैं लेट्स से कि एक एक्सपोर्ट अंडरटेकिंग हूं और अगर मैं 10AA क्लेम कर रहा हूं, तो अगर मैं 115 BSE में रहता हूं क्योंकि ये डिफॉल्ट है, तो मुझे 10AA नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे कंपलसरी ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, तब मैं 10AA क्लेम कर सकता हूं। इसी तरीके से टी कॉफी रबर 33AB, पेट्रोलियम 33ABA और 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक बात है। डियर फ्रेंड्स, हमारे इनकम टैक्स सेक्टर में ना कुछ बोगस टाइप एक्सपेंडिचर है, जैसे जैसे सर 35CCC, अच्छा एक 35CCD। तो चूंकि 35CCD सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कंपनी एसएससी के लिए होता है और हम 115 BSE की बात कर रहे हैं, 115 BSE की, जो कि इंडिविजुअल HEF AOP BOY और AJP के लिए है, इसलिए यहां पे 35CCD यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा,
तो 35 CCC क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बोगस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर कि आप चलें, आप जो है वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के नाम का आप सरकार से जो है वो मतलब डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब टेंजेबल बेनिफिट तो मैंने नहीं देखा। तो सरकार कहती है कि ठीक है, अगर आप 115 BAC रिजीम में आएंगे, अगर आप मतलब आएंगे इन द सेंस कि अगर आप अपने आप को रखे रहते हो 115 BAC रिजीम में, तो सरकार के हिसाब से ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बेनिफिशियल रिजीम है, हम आपको ये बेकार के खर्चे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। मीन्स आपको 35 CCC भी नहीं मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वगैरह के लिए मतलब होता है। ठीक बात है, तो इसका मतलब PGBP हेड में आपको क्या क्या नहीं मिल रहा, आपको 10AA नहीं मिल रहा, आपको 33AB नहीं मिलेगा, आपको 33ABA नहीं मिलेगा, आपको 35AD नहीं मिलेगा, आपको 35CCC नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में साहब एक ना होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन से अबव होता है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, अच्छा, जो कि सेक्शन 32(1)(2A) से डील करता है। ये लेकर आया गया था ताकि असेसी को एनकरेज किया जा सके कि असेसी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्रमोट करे, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की तरफ है। डियर फ्रेंड्स, चलें इसमें कहानियां बहुत सारी बताई जा सकती हैं, बट आपका हम ज्यादा समय पास नहीं करते। हमारे देश में डियर, अगर हमारे देश में सरकार जो है वो चाह रही है इंडिया को $5 trillion की इकोनॉमी बनाना इनिशियल फेज में, अभी करीबन करीबन $4 trillion के पास हम खड़े हुए हैं, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो इंडिया के पॉपुलेशन साइज के हिसाब से उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना चाइना का। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में हमारे देश के टोटल GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपने आप को बहुत ज्यादा बूम किया, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगर आप इसको चाइना से कंपैरिजन अगर आप इसका करते हैं तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल वेरी स्मॉल, और चाइना से बहुत सारी कंपनीज बाहर जा रही हैं, पर उनमें से बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना छोड़ के भारत आ रही है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो सर मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि साहब मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं हमारे देश में, जैसे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हमारे देश में सड़क ही नहीं है, हमारे देश में रोड ही नहीं है साहब। हाँ, पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बहुत तेजी से रोड्स बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह बन रहे हैं जो कि आपने सुना होगा। हालात ये है हमारे देश में कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपके पास फ्लाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और फ्लाइट में भी टिकट्स अवेलेबल नहीं होते। मीन्स हमारे देश में हाई स्पीड ट्रेन्स नहीं है। तो सर आप तो सिर्फ मतलब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो सुबह सुबह। अच्छा, तो डियर मुद्दे वाली बात क्या है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए सरकार को बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़े, जिसमें से एक बेनिफिट था एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि 30% एडिशनल मतलब जो कि मतलब 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू द नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन सर्टेन केसेस। ठीक बात है। अच्छा, तो सरकार कहती है कि नहीं साहब, जो हम आपको एडिशनल बेनिफिट दे रहे थे वो फिर 115 बीएसी रिजीम में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी एक बेनिफिट दे रहे हैं, तो फिर आप हमसे मल्टीपल बेनिफिट्स एक्सपेक्ट मत करो। तो अगर आप 115 बीएसी रिजीम में रहते हो तो फिर आपको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं देंगे। अगर आप 115 बीएसी रिजीम में रहते हो तो हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं देंगे। तो अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आप 115 बीएसी रिजीम से ऑप्ट आउट कर जाओ, आप जो है अपने आप को ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम से गवर्न कराना शुरू कर दो। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, हम जब आपके साथ साइंटिफिक रिसर्च का के एरिया में जाएंगे सेक्शन नंबर 35, तो साइंटिफिक रिसर्च ना दो तरीके से, या तो आप साइंटिफिक रिसर्च खुद से कर लो, मतलब एसएससी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च खुद से कर ले, और अगर एसएससी साइंटिफिक रिसर्च अगर खुद से करता है तो एसएससी जो है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 35(1)(1) में फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 35(1)(4) में फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 35(2AB) में इन सर्टन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च खुद से नहीं करते तो आप दूसरे लोगों को डोनेट कर सकते हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और आप चार जगहों पर आप उसका डोनेशन दे सकते हो, 35(1)(2), 2A, 3 और 35(2AA। अच्छा, लॉ मेकर्स कहते हैं कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 बीएसी में रहते हो तो अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है तो खुद से करो और उसका आप हमसे डिडक्शन ले लो, अगर आप किसी को डोनेट करोगे साहब हम उसका डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 115 बीएसी के डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हो, फिर से मैं कह रहा हूं रहते हो, तो उस केस में आपको कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होंगे, आपको 10AA नहीं मिलेगा, आपको 33AB नहीं मिलेगा, आपको 33ABA नहीं मिलेगा, आपको 35AD नहीं मिलेगा, आपको 35CCC नहीं मिलेगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2A) नहीं मिलेगा, आपको साइंटिफिक रिसर्च के नाम का जो आप पैसा लोगों को दान देते हो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, मीन्स आप 35(1)(2), 2A, 3 और 2 और 35(2AA) क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च खुद से करते हो
तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 3511, 3514 और 3528B। ठीक बात है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल हैं ऑन एनी ब्लॉक ऑफ एसेट तो वो आपका डेप्रिसिएशन जो कैप है वो 40% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ऑल्दो बहुत कम ऐसे मतलब डेप्रिसिएशन रेट्स हैं जो कि 40% से ज्यादा हैं, बट अगर कोई भी अगर ज्यादा है तो वो 115 BAC रिजीम में 40% पे कैप हो जाएंगे। तो अगर आप 40% से ज्यादा अगर आप क्लेम करना चाहते हो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस, इसके लिए आपको 115 BAC से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा देखेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, तो हमने आपके साथ पहले भी बात की थी कि अगर आप ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में रहते हो तो फिर मतलब सेट ऑफ के प्रोविजंस अलग हैं और डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में सेट ऑफ के प्रोविजंस अलग हैं। तो एक तो हमने आपके साथ बात कर ली कि डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेम प्रीवियस ईयर में आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से ऑप्ट आउट करते हो तो आप 2 लाख रुपए तक के लॉस को आप दूसरे हेड से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो अगर आप इससे ऑप्ट आउट करते हो। दूसरा अगर कोई भी खर्चा इनमें से किसी से डील करता है, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इनमें से किसी से मतलब डील करता है, ध्यान दीजिएगा डियर, सैलरी हेड में तो लॉस आ ही नहीं सकता, तो सैलरी हेड की बात छोड़ देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। कैप गेन अदर सोर्सेस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेन इशू कहां पे बनता है? मेन इशू बनता है, ध्यान दीजिएगा, पीजीपीपी में। अब जो मैं बोलूंगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपके साथ करनी है। मैंने कहा कि लेट से प्रीवियस ईयर 22-23 तक मैं जो था मैं अदर देन 115 BAC रिजीम में था, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और प्रीवियस ईयर 22-23 तक मैं अदर देन 115 BAC रिजीम में था। ठीक है। अच्छा मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और प्रीवियस ईयर 2022-23 तक मैं अदर देन 115 BAC रिजीम में था। ठीक बात है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है बिजनेस हेड में। मेरे बिजनेस हेड में, और ये जो 10 लाख रुपए का लॉस है ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 7 लाख रुपए किसी एंटिटी को डोनेट किया था जिसका डिडक्शन मैं सेक्शन 351 जिसको मैं सेक्शन 35 2AA में क्लेम करना चाह रहा था। ठीक है। और 2 लाख रुपए मेरा टी कॉफी रबड़ का था जो कि मुझे सेक्शन 33AB में अलाउड है। और 1 लाख रुपए जो है ये अदर। फिर से, मैं प्रीवियस ईयर 22-23 में अदर देन सेक्शन 115 BAC रिजीम में था, मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ प्रीवियस ईयर के एंड में। मुझे पता चला कि आई एम इन द लॉस ऑफ रुपीज 10 लाख, और इस 10 लाख रुपए के लॉस को मैं अट्रीब्यूट कर सकता हूं। और मैं कैसे अट्रीब्यूट कर सकता हूं? लेट से 10 लाख रुपए के लॉस में से 7 लाख रुपए जो है ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने किसी एंटिटी को डोनेट किया था जिसको मैं सेक्शन 35 2AA में क्लेम कर रहा था, वो 7 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए सेक्शन 33AB का है और 1 लाख रुपए इनके अलावा है। ठीक बात। अच्छा, प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं 115 BAC मंथ्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24 से 115 BAC आपके लिए मतलब डिफॉल्ट रिजीम बन गया, तो मेरे लिए 115 BAC क्या बन गया? डिफॉल्ट रिजीम। और मैं 115 BAC में ही अपने आप को रखता हूं, मीन्स मैंने इससे ऑप्ट आउट नहीं किया। तो प्रीवियस ईयर 23-24, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, प्रीवियस ईयर 23-24 से मैं अपने आप को 115 BAC में मतलब डिफॉल्ट रिजीम में ही रखता हूं। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 से मेरे ऊपर 115 BAC के प्रोविजन अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, मेरे ऊपर 115 BAC के डिसअलाउंसेस अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? अब होगा क्या, प्रीवियस ईयर 23-24 को भी मैं 7 लाख रुपए उसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को डोनेट करता हूं, क्या मैं प्रीवियस ईयर 23-24 में इस 7 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? नहीं सर, सेक्शन 35 2AA डिसअलाउड है। मैं 2 लाख रुपए सेक्शन 33AB में टी कॉफी रबर के नाम का क्लेम करना चाहता हूं, क्या मैं क्लेम कर सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि सेक्शन 33AB डिसअलाउड। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर 23-24 से चूंकि मैंने अपने आप को 115 BAC रिजीम में ही रखा है, अब मैं सेक्शन 35 2AA का 7 लाख रुपए भी क्लेम नहीं कर सकता और मैं 2 लाख रुपए 33AB का भी क्लेम नहीं कर सकता। ये बात तो ठीक है, पर सर एक बात बताऊं ना, ये जो 10 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है इसका क्या होगा? ये तो प्रीवियस ईयर 22-23 से डील करता है,
ये तो प्रीवियस ईयर 22-23 से डील करता है, इस 10 लाख में से 7 लाख रुपए का जो लॉस है वो 35 2AA का है जो कि 115 बीएसई मना कर देता है। तो इस 10 लाख में से 7 लाख रुपए का लॉस अब आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते इन द प्रीवियस ईयर 23-24। इस 10 लाख में से 2 लाख का जो लॉस है ये 33 ईवी से डील करता है, इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 1 लाख रुपए का लॉस ऐसा है जो कि एलिजिबल लॉस है जिसको आप प्रीवियस ईयर 23-24 में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे मेंशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे मेंशन हैं, इनको मैं प्रीवियस ईयर इनको मैं 115 बीएसई रिजीम में उस प्रीवियस ईयर के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता। और अगर ये पिछले प्रीवियस ईयर के हैं जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हैं और उनमें से कोई एक्सपेंडिचर अगर इनमें से किसी से डील करता है तो मैं उसको भी क्लेम नहीं कर सकता, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं उसको भी क्लेम नहीं कर सकता। बट सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, एक बात बताओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन जिन बच्चों को याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, एडिशनल डेप्रिसिएशन के साथ ना एक प्रोविजन होता है क्या, नॉर्मली डेप्रिसिएशन अगर आप एसेट को अगर आप पुट्टी यूज करते हैं फॉर लेस देन 182 डेज, ठीक बात है, उस केस में जो भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होता है वो आपको होता है 50% ऑफ द स्पेसिफाइड परसेंटेज। अच्छा, इसी तरीके से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको 50% अलाउड होगा। अच्छा, लेट से कि मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, लेट से मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 50 लाख रुपीज की, और मैं लेट से इसको पुट्टी यूज करता हूं सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए, तो इसका मतलब मुझे जो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो कितना होगा, नॉर्मल रेट इसका 15% है तो इसका 7.5% अलाउड होगा, तो मुझे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड हुआ वो हुआ इसका 7.5% बोले तो 50 लाख का, सर 3,75,000। और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि 20% है, बट चूंकि पुट्टी यूज आपने सिर्फ और सिर्फ 90 डेज किया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में आपको 50% ऑफ द स्पेसिफाइड परसेंटेज मतलब 20% का 50% बोले तो 10% मिलेगा, मतलब 5 लाख रुपए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लेट से 1/4/2022 को मैंने कोई मशीन परचेज की 50 लाख रुपए की, और मैंने 1/4/2022 और पर मैंने उस मशीन को जो पुट्टी यूज किया है मैंने उसको किया सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए, तो मुझे जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो 15% की जगह 7.5% होगा, मतलब 50 लाख का 7.5% बोले तो 3,75,000 रुपए, और मुझे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो भी 50 लाख का सिर्फ और सिर्फ 10% बिंग 50% ऑफ द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ 20%। ठीक बात है, बहुत ध्यान से, ये जो 50% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको जो अलाउड नहीं हुआ ये लैप्स कर जाता है, ये आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है 50% का ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट से 1/4/2023 से मेरे ऊपर 115 बीएसई जो है ये बन गया डिफॉल्ट रिजीम और मैंने इससे ऑप्ट आउट नहीं किया, 1/4/2023 से मेरे ऊपर 115 बीएसई आ गया मींस डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, मैंने इससे ऑप्ट आउट नहीं किया, तो अब होगा क्या, चूंकि 115 बीएसई जो है ये तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को मना कर देता है और मेरे पास 50% का कैरी फॉरवर्ड ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो कि आपका बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर 22-23 से, क्या मेरी बात समझ पाया, जो कि 50 लाख की मशीन से डील करता है, और प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए मैंने 115 बीएसई रिजीम में ही अपने आपको रखा हुआ है, तो क्या होगा, तो लॉ मेकर ने कहा कि ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप 1/4/2023 को अपनी WDV को उस अमाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन से बढ़ा लेना। तो मान लीजिए कि 1/4/2023 को मेरी जो WDV है वो कितनी है, WDV मेरी लेट्स से मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन थी 50 लाख की, -3,75 -5 लाख WDV है मेरी 41,25,000 रुपये। अच्छा आप इसको बढ़ा लेना, तो इसका मतलब मैं कितने से बढ़ा सकता हूं, 5 लाख रुपए से बिंग द अनअलाउड पोर्शन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो मेरी WDV बढ़ के कितनी हो जाएगी 46,25,000 रुपए। अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। डिफरेंस मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 115 बीएसई नॉर्मल
डेप्रिसिएशन पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो सर 115 बीएससी में तो आपने सिर्फ और सिर्फ इश्यूज बताया, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है डियर, इसका इसके कुछ फायदे भी हैं। जैसे अगर आप 115 बीएससी रिजीम में अपने आप को रखते हैं तो आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट नहीं होता। तो आपको पता है डियर, अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हैं, अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हैं तो कुछ केसेस में आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप अपने आप को 115 बीएससी रिजीम में रखते हैं, मतलब आप इसको अगर आप अपने आप को इससे बाहर लेके नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर एएमटी अप्लाई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो कम है, अगर आप देखेंगे तो स्लैब रेट जो है वो कम है कंपेयर टू द ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम। अच्छा तो हमने कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अच्छा अंडर द बोथ द रिजीम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। काम करें जल्दी से ना, पेज नंबर 19 में आ जाएं अपनी बुक के, और यहां पे हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चले आगे आते हैं। चल तो फिर मेरे बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपके साथ क्या देखा, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, तो फिर आपके पास डिफॉल्ट 115 बीएससी है। आप चाहें तो आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्ट आउट करेंगे तो फिर आप रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मींस ऑप्शनल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से फिर आप गवर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर लेट से मैं ऑप्ट आउट करता हूं तो फिर मेरे ऊपर टैक्स रेट वगैरह क्या रहेगा, इनकी बात भी हम आपके साथ थोड़ी सी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा तो अगर एसएससी अगर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 बीएससी में रहता है तो आपको पता है डियर पहले 3 लाख रुपए तक कुछ नहीं, 3 लाख एक से लेके 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 25 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और 15 से ज्यादा पे 30%। तो अगर आपकी टोटल इनकम 15 से ज्यादा है तो 1.5 लाख रुपए प्लस टोटल इनकम माइनस 15 लाख इंटू 30%, ठीक बात है। अच्छा बट लेट्स से अगर आप ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं, अगर आप लेट्स से डिफॉल्ट से अगर आप अपने आपको बाहर निकाल लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं डिफॉल्ट इज नॉट फॉर मी, ठीक बात है, क्योंकि डिफॉल्ट में बहुत सारे आपको ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि आपको डिसअलाउड होते हैं, तो बहुत बार एसएससी जो है वो डिफॉल्ट से अपने आपको बाहर निकाल लेते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब डिफॉल्ट इज नॉट माई कप ऑफ कॉफी। अच्छा उस केस में अगर आप ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं तो फिर आपके लिए स्लैब रेट क्या होगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर आप अपने आप को डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रखते हैं 115 बीएससी, तो एक ही स्लैब रेट है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए, बीओआई के लिए, एजीपी के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, एज वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल का कुछ भी है जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं लेकर जाते हैं तो जो स्लैब रेट है डियर ये फाइनेंस एक्ट 2023 ने प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 बीएससी में रहते हैं तो ये जो स्लैब रेट है ये इनकम टैक्स एक्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है। बट अगर आप अपने आप को ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में लेके जाते हैं तो वहां जो स्लैब रेट है वो फाइनेंस एक्ट 2023 ने प्रोवाइड किया हुआ। तो सर क्या इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। अच्छा ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में इंडिविजुअल एसएससी के लिए अलग अलग स्लैब रेट हैं बेस्ड ऑन हिज एज, बाकी जितने भी एसएससी हैं एचयूएफ एओपी बीओवाई और एजेपी उनके लिए तो सेम है, बट इंडिविजुअल एसएससी के लिए उसके एज के हिसाब से अलग अलग स्लैब रेट्स। अच्छा और ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम तभी अप्लाई करता है जब आप स्पेसिफिकली 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जो सबसे कॉमन स्लैब रेट है ये वाला, ये इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और एजेपी के लिए भी अप्लाई करता है, ठीक बात है। तो ये वाला स्लैब रेट क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो फिर कोई भी टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके ₹10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे 30%। तो इसका मतलब अगर आपकी टोटल इनकम अगर आपकी मान लीजिए कि एग्जैक्टली ₹10 लाख है तो पहले स्लैब के हिसाब से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1,12,500। सर कैसे, अगर मेरी टोटल इनकम एग्जैक्टली ₹10 लाख है तो उस केस में मेरी टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा अगर मेरी टोटल इनकम एग्जैक्टली ₹10 लाख है तो पहले 2.5 लाख रुपए नल, चल अगले
2,50,000 रुपए, 5% बोले तो 12,500, अगले 5 लाख रुपए, 20% बोले तो 1 लाख, तो ये कितना बन गया, 1,12,500। अच्छा अच्छा अगला जो स्लैब एडियर, ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि 60 साल या उससे ज्यादा बट लेस देन 80 इयर्स हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो लेट्स से मिस्टर ए एक 65 साल के इंडिविजुअल है, मिस्टर ए एक 65 साल के इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है। मिस्टर ए अगर अपने आप को 115 बीएसी रिजीम में रखते हैं तो फिर उनके ऊपर ये वाला स्लैब रेट लगेगा, ये वाला। बट अगर मिस्टर ए अपने आप को डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से बाहर निकालते हैं और अगर अपने आप को ऑप्शनल प्रोविजन से गवर्न कराना चाहते हैं तो इनके ऊपर ये वाला स्लैब रेट लगेगा, ये वाला, ध्यान दीजिएगा। और ये जो स्लैब रेट है यार, ये सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, साथ में रेजिडेंट होना चाहिए, साथ में 60 साल या उससे ज्यादा बट लेस देन 80 इयर्स होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा तो फिर सर स्लैब रेट क्या है, स्लैब रेट है पहले 3 लाख रुपए तक नील, 3 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे 30%, मतलब 2,500 रुपए का बेनिफिट। तो लेट्स से कि अगर मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और अगर मैं 65 साल का पर्सन हूं तो उस केस में क्या होगा, 3 लाख रुपए तक मेरी इनकम पे इनकम टैक्स नील, 3 से लेके 5 लाख पे मतलब 2 लाख पे 5% बोले तो 10,000 रुपए, और 5 से लेकर 10 लाख मतलब 5 लाख पे 20% बोले तो 1 लाख रुपए। अच्छा तो मेरी जो टोटल इनकम मतलब मेरा जो अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है ये बनता है 1,10,000। अगर आप देखेंगे साहब तो ऊपर वाले स्लैब में ये कितना बन रहा था, 1,12,500, अगले स्लैब में ये बन रहा है 1,10,000, मतलब सरकार मुझे 2,500 रुपए का टैक्स बेनिफिट दे रही है बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। ठीक बात है साहब। अच्छा तीसरा केस, अगर मैं एक रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हूं, मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक रेसिडेंट हूं, इंडिविजुअल हूं और 80 इयर्स या उससे ज्यादा का हूं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, उस केस में मेरी 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 20% और उसके बाद 30%। तो लेट से अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली ₹10 लाख है और मैं लेट से 81 इयर्स का एक पर्सन हूं, तो अगर मैं अपने आपको ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में रखता हूं तो पहले 5 लाख कुछ नहीं, अगले 5 लाख 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 1 लाख रुपए। अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो अगर लेट से कि मैं एक अगर मैं लेट से अपने आपको ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में रखता हूं और मैं अगर 60 साल से कम का हूं तो मेरे ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो बनती है 1,12,500, 60 साल या उससे ज्यादा बट 80 ईयर से कम का 1,10,000, और अगर मैं 80 ईयर से या उससे ज्यादा कहूं तो 1 लाख। सो दिस इज हाउ द टैक्स स्लैब हैज बीन डिजाइंड। अच्छा बट हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेकंड और थर्ड जो टैक्स स्लैब्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजंस और या फिर रेजिडेंट सीनियर या फिर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए 85 ईयर्स के नॉन रेजिडेंट है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 115 बीएससी में ही रहें। अगर आप 115 बीएससी में रहते हैं तो आपके ऊपर ये वाला स्लैब लग जाएगा, ये वाला। अगर आप अपने आप को ऑप्शनल में लेके जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर ये पहला स्लैब लगेगा, आप सेकंड या थर्ड स्लैब का बेनिफिट नहीं ले सकते बिकॉज दीज स्लैब्स आर क्लियरली फॉर होम रेसिडेंट रेसिडेंट। ठीक बात है, ये रेसिडेंट लोगों के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों वाले, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, जल्दी से आएंगे पेज नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स इज अ 40 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 14 लाख। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही डिपॉजिटेड 1.5 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑफ 21,000 फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहां पे आपके साथ बात करना चाहता हूं, अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं तो सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन अलाउ करता है, और आपने चूंकि 1.5 लाख रुपए ही जमा किया तो ये आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है, अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है और अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं 80TTA। सर अगर मैं एक सीनियर सिटीजन हूं तो आप 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं 80TTB में, पर चूंकि ये एक सीनियर सिटीजन नहीं इसलिए 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं 80TTA में। ठीक बात है। अच्छा चले तो फिर मेरे साथ साथ देखेंगे, मिस्टर एक्स इज अ 40 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 14 लाख। अच्छा तो ये इनकी पीजीबीपी इनकम है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम अलग से। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही डिपॉजिटेड 1.5 लाख। कहते हैं साहब डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी अंडर बोथ द रिजीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफॉल्ट रिजीम।
अच्छा, तो डिफॉल्ट रेजिम में मुझे बताएंगे पीजीबीपी इनकम कितनी है? सर 14 लाख रुपए, और अदर सोर्सेज की इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 21,000 रुपए। तो आपकी टोटल इनकम कितनी बनी? 14,21,000 रुपए। अच्छा, दिस इज द ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, एटीसी से एटीयू में डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 115 बीएसी में क्या क्या अलाउड है? सर अलाउड है ATCCD2 अलाउड है, ATCCH2 अलाउड है, ATJJAA अलाउड है, ATLA अलाउड है। क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड ATCCD2, ATCCH2, ATJJAA या ATLA में कवर्ड है? नहीं सर, ये तो ATC में कवर्ड है। इसका मतलब एटीसी जो है वो आपको डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में अलाउड ही नहीं है, ठीक है साहब। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक ATTTA, ये क्या इन चारों में कवर्ड है? नहीं सर, ये यहाँ पे कवर्ड नहीं। तो इसका मतलब अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं तो आपको एटीसी से एटीयू के लिए जो अलाउेबल डिडक्शन है वो एक भी कवर्ड नहीं है, तो ये आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी टोटल इनकम कितनी बनी? 14,21,000 रुपये। क्या कोई स्पेशल इनकम है? नहीं सर, ये आपकी रेगुलर इनकम है, मींस हम यहाँ पे डायरेक्टली स्लैब रेट लगा देंगे। अच्छा, तो हमें स्लैब रेट लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले 3 लाख तक निल, 3 से 6, 5% बोले तो 15,000, 6 से 9, मतलब 6 से 9 का इनकम का मीनिंग है 6,01,000 रुपए से 9 लाख रुपए तक, इस बात को समझेंगे। 10% बोले तो 30,000, 9 से 12, 15% बोले तो 45,000, और 12 से 14,21,000, ठीक है। तो 2,21,000 20% के रेट पे, क्योंकि 25% नहीं है, ये बनता है 44,200। ये कितना बनता है? ये बनता है साहब 1,34,200 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से राउंड ऑफ करके ये बनता है 139,570 समथिंग, 139,570। अच्छा, सो अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो आएगा कितना? 139,570। बट आपको कहा गया है दोनों रिजीम में आपको इसमें कंप्यूट करना है। अच्छा, तो अगर लेट्स से कि मैं डिफॉल्ट रिजीम से बाहर निकल जाता हूं तो क्या होगा? अगर मैं अपने आप को डिफॉल्ट रिजीम से बाहर निकाल लेता हूं तो क्या होगा, मेरे साथ साथ देखेंगे जल्दी से। मेरी जो मतलब टोटल इनकम है वो तो 14,21,000 रहेगी, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। मुझे क्या मिल जाएगा? ATC 1,50,000 रुपए, क्योंकि मैंने PPF में जमा किया है, और सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का मुझे ATTTA मिलेगा बट 10,000 रुपए तक का, और ATTTA तो मेरी जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी? बारह इकसठ, और इसमें से मेरी अमाउंट ऑफ टैक्स कितना मेरा बनेगा? 10 लाख रुपीज तक, चूंकि मैं एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ 40 ईयर्स का, 1,12,500 और 10 लाख से जितना भी ज्यादा है उसका 30%, मतलब ये मेरी बनेगी 1,12,500 प्लस 2,61,000 का 30%। ये बनता है 198,430 राउंड ऑफ करके। अच्छा, तो डियर आप इस बात को थोड़ा सा समझें। सर क्या अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में जो आपका टैक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है? 139,570, डिस्पाइट कि आपको एटीसी और ATTTA नहीं मिला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिस्पाइट कि आपको एटीसी और ATTTA नहीं मिला, फिर भी आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? वो आपकी बन रही है साहब 139,570, और ऑप्शन टैक्सेशन रिजीम में डिस्पाइट आपको एटीसी और ATTTA मिल गया, फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? 198,430। इसलिए सिर्फ इस वजह से कि आपको एटीसी और ATTTA वगैरह नहीं मिल रहा, आपको ऑप्शनल से, आपको जो है वो डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है साहब।
चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपके साथ एक क्वेश्चन देखा, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा आपका समय और लगाना चाहूंगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, इफ आई एम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो अगर मैं डिफॉल्ट रिजीम 115 बीएसी में रहता हूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब रेट है, वन सिंगल स्लैब रेट। बट जैसे मैं ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में चला जाता हूं, मतलब मैं डिफॉल्ट से अपने आप को हटा लेता हूं, तो मेरे पास तीन स्लैब रेट्स, देयर आर थ्री स्लैब रेट्स। पहला जो स्लैब रेट है वो मेरे ऊपर तब तक अप्लाई करेगा जब मैं लेस देन 80, जब मैं लेस देन 60 इयर्स तक का हूं, ठीक है। दूसरा जो स्लैब रेट है वो 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स तक अप्लाई करेगा, और जो तीसरा स्लैब रेट है वो 80 इयर्स और मोर पे अप्लाई करेगा। तो सवाल बनता है साहब, ये जो 60 इयर्स और मोर या फिर 80 इयर्स और मोर आपको मतलब कब तक होना है? ये आपको होना है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24, ठीक बात है। अच्छा तो मिस्टर ए अगर चाहते हैं कि इनको, मिस्टर ए को डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने 115 बीएसई को बाय बाय कर दिया, ये ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम है, ही इज इन ऑप्शनल रिजीम। ये चाहते हैं कि इनको ऑप्शनल रिजीम में ही हायर वाला बेनिफिट मिल जाए, हायर वाला स्लैब रेट मिल जाए, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, इनको एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 23-24, मतलब 1-4-23 से लेके 31-3-24 के बीच में किसी भी समय इनको 60 ईयर्स या उससे ज्यादा का होना पड़ेगा, इनको इसके बीच में किसी भी समय 60 ईयर और मोर का होना पड़ेगा। 1-4-23 से लेके 31-3-24 में किसी भी समय इनको 60 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा का होना पड़ेगा। अगर ये इसके बीच में किसी भी समय 60 ईयर्स या उससे ज्यादा के नहीं हो पाते हैं, तो इनके ऊपर पहला रिजीम अप्लाई करेगा 2,50,000 रुपए वाला, मतलब इनको 3,00,000 रुपए वाला रिजीम नहीं मिलेगा, ठीक बात है। और जहां पर 2,50,000 रुपए का एडिशनल इनकम टैक्स बच जाता है, ये इनको रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरा, अगर हम 80 ईयर्स की बात करें, तो इनको 1-4-2023 से लेके 31-3-2024 इसके बीच में किसी भी समय 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इनके ऊपर 3,00,000 रुपए का स्लैब रेट लगेगा, इनको 5,00,000 रुपए का हायर स्लैब रेट नहीं मिलेगा, ठीक बात। अच्छा अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, और वो सवाल क्या, सर अगर मुझे 1-4-23 से लेके 31-3-24 तक अगर 60 साल का होना है, बहुत ध्यान से, अगर मुझे 1-4-23 से लेके 31-3-24 तक अगर 60 साल का होना है, तो मेरी अगर डेट ऑफ बर्थ, अगर मेरा जन्म 1-4-1964 के पहले हुआ है, 1-4-1964 के पहले हुआ है, तब तो मैं क्वालिफाई कर जाता हूं 60 साल या उससे ज्यादा वाले के लिए बहुत इजीली, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कब आती है? जब मेरा जन्म एग्जैक्टली 1 अप्रैल को हुआ है। अगर मेरा जन्म एग्जैक्टली 1 अप्रैल 1964 को हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मेरा जन्म एग्जैक्टली 1 अप्रैल 1964 को हुआ है, तो टेक्निकली मैं 60 साल का पूरा कब होता हूं? 60 साल का पूरा कब होता हूं? टेक्निकली मैं 60 साल का पूरा होता हूं 1-4-2024 को। अगर मेरा जन्म 1-4-1964 को हुआ है, तो टेक्निकली मैं 60 साल का कब होता हूं? 1-4-2024 को, जो कि 31-3-2024 के बाद आता है। तो इसका मतलब मैं तो हायर 60 हूं, तो मैं तो फिर तो मैं हायर स्लैब बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा अगर मेरा जन्म 1-4-1964 के पहले हुआ है, तब तो मैं इजिली जो हूं 31-3-2024 तक 60 साल का हो गया, मैं जो हूं वो हायर स्लैब बेनिफिट में क्लेम कर सकता हूं। अगर मेरा जन्म एग्जैक्टली 1-4-1964 को हुआ है, तो टेक्निकली मेरा 60 साल का मैं कब अपने आप को मानूंगा? 1-4-2024 को। और अगर मेरा जन्म 1-4-1964 के बाद हुआ है, तो मैं 60 साल का कब बनूंगा? 1-4-2024 के बाद। अच्छा तो वो तो बात ही खत्म हुई, पंगा कहां पे फंसा हुआ है? 1-4-1964 वाले लोगों के लिए,
क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इवन एक्ट में भी बहुत बार क्या होता है कि एक्ट के बहुत सारे पर्पसेस के लिए आपका जन्मदिन एक दिन पहले मान लिया जाता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो? जैसा फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जन्म 1/4/1964 को हुआ है तो टेक्निकली तो मैं अपना 60 साल कंप्लीट करता हूं, या मैं 60 साल का होता हूं 1/4/1924 को, बट एक्ट में बहुत सारे पर्पसेस के लिए एनिवर्सरी को एक दिन पहले मान लिया जाता है, मीन्स 31/3/2024 मान लिया जाता है। तो अगर ये वाला प्रोविजन यहां भी अप्लाई कर जाएगा तो मैं 1/4/1964 को भी जन्म लेकर मैं 60 साल का या उससे ज्यादा का हो जाता हूं अप टू 31/3/2024, और मैं 3 लाख रुपए का हायर बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ पाए? और साहब सिर्फ ये 3 लाख का हायर बेनिफिट वाली बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजंस को मिलते हैं, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए साहब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, प्रभु प्रभो दयाल सेमसा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि लीगल पर्पसेस के लिए जन्मदिन को हम एक दिन पहले मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म 1/4/1964 को हुआ है तो टेक्निकली तो आप 60 साल के क्वालिफाई होते हैं, आप 60 साल के बनते हैं 1/4/2024 को, बट हम एक्ट के पर्पस के लिए 31/3/2024 को ही मान लेंगे कि आपने 60 साल जो है वो अचीव कर लिया है और आप अकॉर्डिंगली हायर स्लैब के लिए और बाकी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और अगर 1/4/1964 के बाद हुआ है साहब तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, इस साल आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा, तो ये बात भी हमने आपके साथ देख ली, आगे आते हैं। अच्छा, ये हमने आपके साथ पहले ही बात की थी साहब, स्लैब रेट्स एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पेशल इनकम। जो स्पेशल इनकम है उस पर आप ये वाला स्लैब नहीं लगा सकते, फिर उसके लिए आपको स्पेशल रेट जो कि आपके चैप्टर नंबर 12 में, आपको उसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में जो हम जहां अभी हम मूव कर रहे हैं डियर, वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है। और अगर मैं इंडिविजुअल HUF वगैरह की बात करूं तो वो 50 लाख रुपए, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, अलग अलग रेट के हिसाब से सरचार्ज लगता है। इसकी बात करते हैं, जहां पे सरचार्ज होता है वहां पे यूजुअली मार्जिनल रिलीफ भी आता है। कुछ कुछ केसेस में सरचार्ज मैंडेटरी होता है, तो जहां जहां सरचार्ज मैंडेटरी है वहां फिर मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कंपनी SSC के लिए, अगर कंपनी SSC 115BAA या 115BAB ऑप्ट करती है तो उस केस में 10% का सरचार्ज कंपलसरी होता है। तो जो भी रेट ऑफ टैक्स है, लेट्स से 22% रेट ऑफ टैक्स है, तो 10% का सरचार्ज कंपलसरी है। तो जहां पे सरचार्ज कंपलसरी है वहां पे मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा, ठीक बात है। अच्छा, बट जहां पे सरचार्ज कंपलसरी नहीं होता, जहां पे सरचार्ज इस वजह से लगता है कि आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लेवल से ज्यादा है, उस केस में मार्जिनल रिलीफ भी बन सकता है, ठीक बात है। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2022 तक रिबेट अंडर सेक्शन 87A इसमें कोई पंगा नहीं था, दैट वाज वेरी इजी। फाइनेंस एक्ट 2023 ने रिबेट अंडर सेक्शन 87A को बहुत ज्यादा ट्रिकी बना दिया है, जो कि हमें समझना चाहिए, ठीक बात। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं फाइनेंस एक्ट 2022 तक रिबेट अंडर सेक्शन 87A का क्या मेकानिज्म चलता था। ध्यान दीजिएगा डियर, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए 87A का रिबेट इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका पर्पस क्या था इसकी भी बात कर लेते हैं। होता क्या था, बहुत ध्यान से, सरकार के ऊपर ना एक बहुत ज्यादा प्रेशर था मिडिल क्लास वालों का कि सर हम जो है छोटी मोटे लेट से हम कोई जॉब करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, आपको बताया डियर, आज के समय भारत देश में जितने भी लोग जॉब करते हैं मेजोरिटी लोगों की सैलरी कितनी है सर? 30,000 रुपए। मेजोरिटी लोगों की सैलरी कितनी है? 30,000 रुपए तक। इसका मतलब उनकी एनुअल इनकम कितनी हुई? 360,000 रुपए। या अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो मेजोरिटी लोगों की सैलरी कितनी है? 40,000। इससे ज्यादा तो साहब बहुत कम लोगों की सैलरी, इवन बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सैलरी 40,000 रुपीज है साहब। तो मेजोरिटी लोगों की सैलरी कितनी बनती है, मतलब जिसमें मेजोरिटी भारत देश की पॉपुलेशन आ जाती है? 40,000 रुपए महीना। तो वो ट्रांसलेट होकर कितना बनता है? 4,80,000 रुपए, ठीक बात। अच्छा, तो मिडिल क्लास लोगों का एक बहुत सरकार से एक
क्वेश्चन था कि साहब हम जो हैं चूंकि हम जॉब वगैरह करते हैं तो हमारे ऊपर टीडीएस का प्रोविजन भी बन जाता है। बहुत सारे लोग जो कि जॉब नहीं करते, अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, वो हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, बट उनके ऊपर कोई टैक्स का ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सरकार से एक बहुत बड़ी शिकायत थी बहुत लंबे समय से। इस चीज को डील करने के लिए सरकार ने रिबेट इंट्रोड्यूस किया था अंडर सेक्शन 87A। रिबेट इंट्रोड्यूस किया था अंडर सेक्शन 87। ये मैं आपको 2000 या ये मैं आपको फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले की सिचुएशन बता रहा हूं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 ने इसको चेंज कर दिया। ये रिबेट क्या करता था? ये रिबेट कहता था कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मैंने कहा हाँ, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, मैंने कहा हाँ, तो उस केस में हम आपका 100% टैक्स पेबल हम आपको रिबेट दे देंगे। बट मैक्सिमम कितना? 12,500 रुपए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहब 100% टैक्स पेबल अगर आप दे दोगे तो फिर मैक्सिमम 12,500 का इशू क्या है? जैसे अभी हम फिलहाल जो है हम फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले के सिचुएशन की बात कर रहे थे। पहले क्या होता था? पहले 115 बीएससी ऑप्शनल था, डिफॉल्ट नहीं था। अच्छा, पहले के में मान लीजिए कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, तो पहले 2.5 लाख तक मेरा कोई भी टैक्स नहीं, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% मतलब 12,500, ठीक बात है। तो 12,500 मेरा टैक्स बनता है, सरकार मुझे 87A में 12,500 का रिबेट देती है, मतलब मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ATR फाइल करना है, फाइल स्माइल एंड गो, मतलब मुझे अपनी जेब से कोई भी टैक्स सरकार को निकाल के नहीं देना साहब, ठीक बात है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या मेरी बात समझ पाए? कि हम आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो हम आपको 100% ऑफ द टैक्स पेबल, बट बाद में इन्होंने आगे क्या लगा दिया, और 12,500 विच एवर इज लेस हम आपको उतना रिबेट दे देंगे। अब बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 5 लाख रुपए तक की इनकम पे जो टैक्स पेबल ही तो 12,500 ही तो होगा, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम 12,500 क्यों को फिर अलग से लिखने की जरूरत क्या थी? डियर, जरूरत है अलग से 12,500 को लिखने की जरूरत है। क्यों जरूरत है मैं आपको थोड़ा सा अभी बताता हूं। लेट्स से कि मिस्टर ए हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की और इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उस प्रॉपर्टी को सेल करके 112 में, जो कि टैक्सेबल है 20% के रेट में। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की और 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया 20% के रेट पे, जो कि टैक्सेबल है सेक्शन 112 में। इनके पास और कोई इनकम नहीं है, ठीक बात। अच्छा, सेक्शन 112 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आप अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एग्जॉस्ट कर सकते हो इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो मिस्टर ए ने 2.5 लाख रुपए का अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट करा लिया। इस 5 लाख में 2.5 लाख रुपए आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में चला गया, बचे 2.5 लाख। तो जो 2.5 लाख रुपए बच गया, ये क्या स्लैब रेट पे टैक्स होगा? नहीं सर, ये तो स्पेशल इनकम है ना सेक्शन 112 वाली, तो ये 20% पे टैक्स होगा। तो ये 2.5 लाख 20% पे टैक्स हो रहा है साहब, तो 20% पे टैक्स होकर कितना बना? 50,000 रुपए। अच्छा, टोटल इनकम मेरी कितनी है? 50,000, 5 लाख तक। मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं। उस केस में अगर रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए कहता 100% ऑफ टैक्स पेबल हम आपको रिबेट दे देंगे, तो असेसी पूरे के पूरा 50,000 ही रिबेट मांग लेता। तो लॉ मेकर्स ने समझदारी दिखाते हुए क्या कहा, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए वुड बी लोअर ऑफ व्हाट? 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500, विच एवर इज लेस। क्या आप अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने 12,500 को अलग से स्पेसिफिकली क्यों डाला? तो अब जो आपको रिबेट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12,500। आपका टैक्स पेबल कितना है? 37,500 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक बात। अच्छा, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट, जो कि सैलरीड क्लास मिडिल, जो कि सैलरीड मिडिल क्लास के लिए आया था, जहां पर उनका कहना था साहब कि हम 40-42,000 रुपए कमाते हैं और आप जो है हमसे भी जो आपने जो है वो टैक्स लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, इवन बहुत बार साहब ऐसा भी होता है कि एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन जितना कमा रहा होता है उससे ज्यादा पैसे कोई अनएजुकेटेड रेहड़ी वाला कमा लेता है। क्या कर सकते हैं साहब? एनी हाउ, तो हम क्या कर सकते हैं? बींग अ प्रोफेशनल हम अपने स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हम अपनी अर्निंग बढ़ा सके, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ, तो सैलरीड मिडिल क्लास एम्प्लॉयज की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 87A का रिबेट इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे सरकार कहती है कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो हम आपको 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लेस हम आपको उतना रिबेट दे देंगे, ठीक बात है। ये प्रोविजन आज भी एज इट इज, पर आज एक चीज चेंज हो गई सर। आज क्या चेंज हो गया? आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं,
आज ये चेंज हो गया कि आज आपके पास दो रिजीम्स, एक है डिफॉल्ट रिजीम और एक है ऑप्शनल रिजीम। अच्छा, एक है डिफॉल्ट रिजीम और एक है ऑप्शनल रिजीम। तो ऑप्शनल रिजीम के लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज सेम है क्या? टोटल इनकम अप टू 5 लाख, रिबेट इज इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। क्या मेरी बात समझ पाए? रिबेट इज इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। पर डिफॉल्ट रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSE, इसको लोगों के लिए और ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, इसको लोगों को और ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट रेजिम एटीसी अलाउ नहीं करता, एटीडी अलाउ नहीं करता, और मिडिल क्लास है जी इन्हीं दो सेक्शंस के आस में जी रहा है। तो साहब मिडिल क्लास इन्हीं दो सेक्शंस के आस में जीता है, और इसके बिना मिडिल क्लास की हालत क्या होती है? जियो तो जियो कैसे बिना आपके। तो साहब ईटीसी और ईटीडी मिडिल क्लास के लिए क्या है? जिए तो जिए कैसे बिना आपके। और सरकार ने डिफॉल्ट में इन्हीं दोनों को निकाल दिया, कहा कि नहीं सर जी, हम आपको ना ईटीसी देंगे ना हम आपको ईटीडी, ना हम आपको ईटीडी देंगे। और सैलरीड मिडिल क्लास के लिए साहब ये दो सेक्शन ही उसके दो अनमोल रतन है जो कि सरकार ने छीन लिए। तो सरकार ने कहा कि हाँ हमने छीन तो लिया, तुमको कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, ध्यान से, इन्होंने कहा कि हम आपको रिबेट देंगे, हम आपको रिबेट देंगे। कितना रिबेट देंगे? बहुत ध्यान से, हाँ आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, ठीक बात है। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो हम आपको, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो हम आपको 100% ऑफ टैक्स पेबल या 25,000 विच एवर इज लेस, हम आपको पूरा का पूरा रिबेट देंगे। तो लेट से कि अगर मेरी टोटल इनकम एग्जैक्टली 7 लाख रुपए है तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम के स्लैब के हिसाब से क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा टैक्स पेबल कितना है? 7 लाख में सर पहले 3 लाख निल, अगले 3 लाख 5% बोले तो 15,000, और अगले 1 लाख 10% बोले तो 10,000। तो ये बनता कितना है? 25,000। सरकार ने का पूरा 25 हमसे रिबेट ले लो, मतलब 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लेस, ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑप्शनल रिजीम में 5 लाख रुपए तक का था, वो डिफॉल्ट रिज्यूम में सरकार ने बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया कि ठीक है साहब, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो आप हमसे वहां पे रिबेट ले लो, आप हमसे रिबेट ले लो। सर एक बात बताओ, मेरी टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। मैंने कहा कितनी ज्यादा है? मेरी टोटल इनकम 7 लाख से सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा है, अब क्या मुझे रिबेट नहीं मिलेगा? मैंने कहा साहब रिबेट तो नहीं मिलेगा, बट सर क्या ये मेरे लिए नाइंसाफी नहीं हो जाएगी कि मेरी टोटल इनकम थोड़ी सी ज्यादा है और आप मुझे रिबेट को डिनाई कर रहे हो? ऐसे तो इसकी वजह से साहब जो है एसएससी के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो सकता था। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, 7 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तब तो रिबेट में कोई पंगा नहीं है, आप हमसे 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लेस आप हमसे रिबेट ले। बट अगर आपकी 7 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है, अगर आपकी 7 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है तो भी हम आपको रिबेट अलाउ करेंगे। पर कितना रिबेट अलाउ करेंगे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ रिबेट कितना होगा? अमाउंट ऑफ रिबेट होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम माइनस 7 लाख। मतलब आपकी टोटल इनकम 7 लाख से जितनी ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम 7 लाख से जितनी ज्यादा है, एसएससी की परेशानी क्या है कि सर जी मेरी टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, आपने हमसे रिबेट छीन लिया। हमने कहा ठीक है हम आपको रिबेट देंगे, परेशान मत हो आप, हम आपको रिबेट देंगे, परेशान मत हो। बट हम आपको रिबेट कितना देंगे? आपकी परेशानी क्या है? सर मेरी इनकम टोटल इनकम से 7 लाख, मेरी इनकम टोटल इनकम से 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ठीक, जितना आपका टैक्स बनता है और जितना वो थोड़ी सी ज्यादा इनकम है उसको माइनस कर दो, क्योंकि उतना तो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना साहब, ये तो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो इसको माइनस कर दो, इनको माइनस करके जो बच गया वो आपका रिबेट है। सर मेरी टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, मैंने कहा कि वो थोड़ी सी कितनी है? सर 1 लाख रुपए। तो क्या 1 लाख रुपए क्या मतलब थोड़ी सी इनकम होती है? नहीं सर। तो साहब इस वाले फॉर्मूले को डियर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से
ठीक ठाक ज्यादा है तो आपका रिबेट नहीं बनता। और ये फॉर्मूला कब तक आपको रिबेट प्रोवाइड करता है, 7,27,800 रुपए के आसपास। अच्छा, तो अगर आपकी टोटल इनकम अगर 7,27,800 से ज्यादा आती है, एग्जैक्टली मैं आपको भी मतलब बता दूंगा, तो फिर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी टोटल इनकम 7,00,000 से सिर्फ 3,00,000 रुपए ज्यादा है तो भी मुझे रिबेट मिल जाए, ऐसा नहीं। तो इसको बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से लॉ मेकर्स ने इस वाले फॉर्मूले को आइडेंटिफाई किया, जहां पे उन्होंने कहा है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7,00,000 तक है तो कोई परेशानी नहीं, 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लेस। और अगर आपकी टोटल इनकम 7,00,000 से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपकी टोटल इनकम 7,00,000 से जितनी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि साहब ये तो आप कमा रहे हो, तो जो कमा रहे हो वो तो आप हमसे रिबेट नहीं मांग सकते। और इसके अलावा जो आपका जो बनता है टैक्स, वो आप हमसे पूरा का पूरा रिबेट ले लो। तो अगर मान लीजिए मेरी टोटल, तो चलें फिर सर एक काम करो ना सर, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाओ। अच्छा, तो मान लीजिए कि मेरी टोटल इनकम 7,00,000 रुपए और मेरी टोटल इनकम 7,00,100 रुपए, अब सर बताओ क्या होगा। तो अगर मेरी टोटल इनकम 7,00,000 रुपए है तो मेरा टैक्स पेबल कितना बनता है सर, 25,000 रुपए। रिबेट कितना बनेगा, 25,000 रुपए। सही में टैक्स पेबल कितना बनेगा, नहीं। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर मेरी टोटल इनकम 7,00,000 तक है तो मेरा टैक्स पेबल कितना बनेगा स्लैब रेट के हिसाब से, सर पहले 3,00,000 नहीं, 3 से लेकर 6, 5% बोले तो 15, 6 से लेकर 7, 1,00,000 बोले तो 10%, मतलब 10,000, मतलब 25,000 रुपए। रिबेट मुझे कितना मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लेस। तो मेरा सही में मेरा एक्चुअल टैक्स पेबल कितना बनेगा, नहीं। मेरी टोटल इनकम 7,00,100 रुपए। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से, अगर चूंकि टोटल इनकम 7,00,000 से बहुत माइनर अधिक है, 7,00,100 रुपए 7,00,000 से बहुत माइनर अधिक है, अगर आप पूरा का पूरा रिबेट एसएससी से हटा लोगे तो वो एसएससी के लिए नाइंसाफी हो जाएगी साहब। तो लॉ मेकर्स ने कहा ठीक है, हम आपको अभी भी रिबेट देंगे, क्योंकि आपकी सही में जो आपकी जो मतलब टोटल जो इनकम है आपकी, वो 7,00,100 रुपए ज्यादा है, तो हम आपको कितना रिबेट देंगे, 100 रुपए। चूंकि आप कमा रहे हो 7,00,000 के ऊपर, तो हम आपको 100 रुपए का रिबेट नहीं देंगे। तो इसलिए टोटल इनकम माइनस 7,00,000, जो आप 7 के ऊपर जितना कमा रहे हो, वो हमने आपसे रिबेट से छीन लिया, हम आपको वो रिबेट नहीं दे रहे। तो हम आपको रिबेट कितना देंगे, ध्यान दीजिएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब 7,01,000। तो सर 7,01,000 में टैक्स कितना बनेगा, पहले 3,00,000 नील, 3 से 6, 15,000 और 1,01,100 रुपए। इस पे 10% ये बनेगा कितना, 10,010 रुपए। 1,01,100 का 10% ही तो बनेगा ना, 10,00,000। अच्छा मतलब 10,010 रुपए, मतलब टोटल आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 25,010 रुपए। ठीक है, तो आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 25,010 रुपए, ध्यान दीजिएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम 25,010 रुपए माइनस टोटल इनकम माइनस 7,00,000 मतलब 100 रुपए। आपका रिबेट कितना बन जाएगा, 24,910 रुपए। और आपका टैक्स पेबल कितना है, 25,010। तो आपका एक्चुअल टैक्स पेबल कितना है, 100 रुपए। आपका एक्चुअल टैक्स पेबल कितना है, 100 रुपए, कि जो आपने 7,00,000 से ज्यादा कमाया आप हमें वो वाला टैक्स दे दो और बाकी हमसे आप जो है वो रिबेट ले लो। सर एक और एग्जांपल, चल एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से मेरी जो टोटल इनकम है वो है 7,30,000 रुपए। अब क्या होगा, तो मेरा टैक्स पेबल कितना है सर, 1,30,000 का 10% मतलब 13,000 प्लस 15,000 28,000 रुपए। अच्छा, क्या मुझे अभी भी रिबेट मिलेगा, चेक कर लेते हैं। रिबेट आपको तब तक मिलेगा जब तक आपकी टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम माइनस 7,00,000 जो है वो कुछ अमाउंट आता है। तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम है मेरी 28,000 रुपए और टोटल इनकम माइनस 7,00,000, टोटल इनकम है सर मेरी 7,30,000, उसमें 7,00,000 माइनस करेंगे तो कितना बनता है, 30,000। मुझे बताएं क्या मैं 28,000 में से 30,000 को घटा के कोई पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आएगी, नहीं सर, तो इसलिए मेरा रिबेट कुछ नहीं बनेगा। तो सर ऐसा क्यों, डियर फ्रेंड्स, आपकी इनकम 7,30,000 रुपए, तो इसका मतलब आपकी इनकम 7,00,000 से इतना एक्सीड कर रही है कि इसकी वजह से जो टैक्स का इंपैक्ट आ रहा है वो न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए अब आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो आपकी रिबेट कितनी है, नल। तो आपका टैक्स पेबल कितना है, 28,000। हाँ, इसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? सो दिस इज हाउ द रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल वर्क इन द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम एज वेल एज द ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम। तो मेरे साथ साथ जल्दी से देखेंगे,
सब कुछ आपके बुक में, आपको कुछ अलग से नोटिंग करना देखेंगे। तो अगर एसएससी अगर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, अगर एसएससी अगर ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में है, मतलब अगर एसएससी ने अगर डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट कर लिया, उस केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए तक की इनकम पे और रिबेट का अमाउंट कितना होगा 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। बट अगर एसएससी अगर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम 87A में रहता है, तो अगर इसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लेस। बट अगर वो डिफॉल्ट अगर उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, अगर उसकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, तो फिर रिबेट का अमाउंट कितना होगा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम माइनस टोटल इनकम लेस 7 लाख, क्योंकि ये तो आपके पास जा रहा है ना साहब, दिस ये तो आप अर्न कर रहे हो, तो वो तो आप हमसे रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। तो जो बच जाएगा आपका वो बन जाएगा आपका अमाउंट ऑफ रिबेट। अच्छा, अगर लेट से टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम अगर आपकी टोटल इनकम माइनस 7 लाख से ज्यादा बन जाएगा, तो ही आपको रिबेट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर टोटल इनकम माइनस 7 लाख, मतलब 7 लाख से ऊपर आप जितना पैसा कमा रहे हो, वो अगर आपका टोटल टैक्स पेबल से ज्यादा बन गया, तो इसका मतलब जो इफेक्ट है वो आपका सेट ऑफ हो गया, आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो चले इसके ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखते हैं हम आपके साथ, तो जल्दी से मेरे साथ साथ आ जाएंगे। और पेज नंबर 22 में आएंगे। मिस्टर संजय देखेंगे, मिस्टर संजय रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 30 ईयर्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,50,000 कंप्राइजिंग सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी। चले कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ही हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115BAC। मतलब ये हुआ कि इन्होंने डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से बाहर निकल गई है नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में। तो 4,50,000 में अगर मैं स्लैब रेट लगाऊंगा, तो पहले 2.5 लाख निल, अगले 2 लाख में 5%, मतलब 10,000 रुपए। और चूंकि मिस्टर संजय एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और इनकी टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए तक है, मतलब 5 लाख तक है, तो इसका मतलब इनको 100% ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। तो सर यहाँ पे तो 10,000 ही है 100% ऑफ टैक्स पेबल, तो पूरा का पूरा 10,000 इनको रिबेट मिल गया, तो इनका जो टैक्स पेबल आ गया वो आ गया, तो इनका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया वो हो गया। अच्छा आगे आते हैं, देखेंगे कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 40 ईयर्स हु इज अंडर द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम इफ हिज टोटल इनकम इज। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में हूं, तो उस केस में रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये कैसे काम करता है, अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है, तो क्या होगा 100% ऑफ टैक्स पेबल या 25,000 विच एवर इज लेस। अच्छा, अगर मेरी टोटल इनकम 7 लाख प्लस है, मतलब मेरी टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड कर गई। अच्छा, एसएससी आता है सरकार के पास और कहता है साहब, एसएससी आता है मतलब सरकार के पास और कहता है मालिक, मेरी टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी सी एक्सीड की, जिसकी वजह से मेरा टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से मुझे रिबेट दे दो। सरकार कहती है ठीक है, हम आपको रिबेट देंगे, और हम आपको रिबेट का अमाउंट कितना देंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। एसएससी बोलेगा कि मालिक रुक जाओ, बस टैक्स ऑन टोटल इनकम आप हमें रिबेट दे दो। सरकार बोलेगी ऐसे कैसे, टैक्स ऑन टोटल इनकम अगर हम आपको रिबेट दे देंगे, तब तो फिर हमारे पास क्या आएगा, आप आखिर कुछ कमा भी तो रहे हो, तो हम आपसे रिबेट छीन लेंगे, मींस माइनस टोटल इनकम माइनस 7 लाख। तो आप 7 लाख के ऊपर जितना कमा रहे हो वो तो आप कमा रहे हो ना, फिर वो आप हमसे रिबेट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, हम आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम रिबेट दे देंगे, पूरा ही हम आपको टैक्स ऑन टोटल इनकम दे देंगे, पर 7 के ऊपर आप जितना कमा रहे हो वो आप हमसे रिबेट नहीं मांग सकते साहब। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब सरकार ने इस फॉर्मूले से क्या किया, सरकार ने इस फॉर्मूले से एक बहुत बड़ा गेम खेल लिया। और वो गेम क्या है साहब, गेम ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम माइनस 7 लाख अगर एक्सीड करती है टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो आपको 87A का कोई रिबेट नहीं मिलेगा, और ये एक्सीड कर जाएगी 7,28,000 के आसपास। अच्छा, तो फिर हम एक ही करके बात करते हैं, चलें फिर मेरे साथ साथ देखेंगे। कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 40 ईयर्स हु इज इन द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, और अगर उनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, तो चूंकि इनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, मतलब 7 लाख रुपए तक, तो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लेस। तो सर यहाँ पे 100% ऑफ टैक्स पेबल क्या बनेगा, 5 लाख में पहले 3 लाख निल, और अगले 2 लाख 5%, मतलब 10,000 रुपए, तो पूरा का पूरा 10,000 आपको रिबेट मिल गया, टैक्स पेबल आपकी निल आ गई। अच्छा, 87A का पूरा ही रिबेट आपको मिल गया, टैक्स पेबल आपकी निल आ गई। आगे आते हैं 7 लाख रुपीज, चूंकि आपका टैक्स पेबल 7 लाख तक है, तो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज निल, और 7 लाख में आपका टैक्स पेबल 25,000 ही बनता है, क्योंकि पहले 3 लाख निल, 3 से लेके 6 लाख तक 5%, 6 से लेके 7 लाख तक 10%, तो 25 बनता है, तो पूरा का पूरा 25 आपको रिबेट मिल गया। ठीक बात है। आगे आते हैं,
7,01,000 रुपये। हमने आपके साथ ये वाला कैलकुलेशन पहले भी देखा था, नहीं हमने 7,00,100 रुपये देखा था, अब 7,01,000 रुपये। तो 7,01,000 रुपये 7,00,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको रिबेट का अमाउंट कितना मिलेगा टैक्स ऑन टोटल इनकम, कि सर मेरा 7,01,000 पे मेरा टैक्स कितना बनता है माइनस टोटल इनकम लेस 7,00,000, क्योंकि 7,00,000 के ऊपर आप जितना कमा रहे हो वो तो आपके पास पैसा आ रहा है ना, यू आर अर्निंग डेट मनी, तो आप वो तो हमसे आप मतलब रिबेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो साहब 7,01,000 पे मेरा टैक्स कितना बनता है? सर पहले 3,00,000 नहीं, 3 से लेकर 6 5% और 1,01,000 पे 10%, ये बनता है साहब 25,100। अच्छा तो मेरा जो टैक्स बनता है, टैक्स ऑन टोटल इनकम मेरा बनता है 25,100 माइनस टोटल इनकम माइनस 7,00,000। मैंने 1,000 रुपए कमाया भी तो है 7,00,000 के ऊपर, तो वो तो मुझे रिबेट नहीं मिलेगा, तो मुझे रिबेट कितना मिलेगा 24,100। मतलब मुझे टैक्स कितना देना है 1,000 रुपए और उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, ठीक बात है। अच्छा तो मुझे रिबेट कितना मिला 24,100। क्या इस बात को समझ पाए कि 24,100 कैसे आया? सर टैक्स ऑन टोटल इनकम, अच्छा मेरी टोटल इनकम 7,01,000 रुपए, मैं ना सरकार के पास पहुंच गया और मैंने कहा मालिक अगर मेरी टोटल इनकम 7,00,000 तक होती तो आप मुझे पूरा का पूरा टैक्स पेबल ही रिबेट दे देते। सरकार कहती है हाँ मेरी टोटल इनकम 7,01,000 रुपए है, मुझे बताएं क्या 1,000 रुपए के चक्कर में क्या आप मुझसे पूरा का पूरा टैक्स ले लोगे? सरकार ने कहा नहीं, हम ना आपके लिए भी कुछ प्लान करते हैं। मैंने कहा कि सर जल्दी प्लान करो, सरकार एक ना रिबेट का फॉर्मूला बना रही है, ध्यान दीजिएगा। और वो सरकार रिबेट के फॉर्मूले में क्या लिख रही है, अमाउंट ऑफ रिबेट, और सरकार ने पहली लाइन क्या लिखी, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। मैं सरकार के चरणों में गिर गया और मैंने कहा मालिक आगे कुछ ना लिखें, आगे कुछ ना लिखें, बस यही रहने दे, अमाउंट ऑफ रिबेट इज इक्वल टू टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। सरकार ने कहा सर जी हमारे पास भी सीए बैठे हुए, सिर्फ आपके एडवाइजर ही सीए नहीं है साहब, हमारे भी मिनिस्ट्री में चार्ट अकाउंटेंट्स बैठे हुए, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम अगर मैं लिखवा दूंगा तो फिर आप फिर तो फिर तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो इसलिए हम आपको रिबेट देंगे, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम सही देंगे, पर 7,00,000 के ऊपर जितना कमाया वो कैसे रिबेट मांग सकते हो, वो तो हमें दे दो। मैंने कहा साहब 7,00,000 के ऊपर मैंने सिर्फ 1,000 रुपए कमाया, सरकार बोलते ठीक है हमें 1,000 रुपए ही दे दो, मतलब हमें 1,000 रुपए दे दो मतलब हम आपको 1,000 रुपए का कम रिबेट देंगे। मैंने कहा सर 7,00,000 के ऊपर मैंने सिर्फ 100 रुपए कमाया, सरकार कहते ठीक है 100 रुपए ही दे दो, बाकी सारा का सारा हमसे रिबेट ले लो। Are you guys getting? तो सरकार ने बहुत समझदारी दिखाते हुए टैक्स का रिबेट का फॉर्मूला क्या बनाया, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम माइनस 7,00,000, मतलब अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स रुपए 7,00,000, और इससे आपको क्या मिल जाएगा रिबेट, और इसका इंपैक्ट कब तक जाएगा 7,27,28,000 तक, इसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा आ गया देखेंगे सब 7,00,000 अगला कितना 7,10,000 रुपए, तो 7,10,000 रुपए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना बना सर 7,10,000, 1,10,000 का 10% 11,000 और 25 मतलब 26,000 रुपए बनता है। अच्छा अब देखेंगे अब गेम होता है, 7,10,000 पे आपका टैक्स पेबल कितना है 26,000 रुपए। अच्छा अमाउंट ऑफ रिबेट कितना है, असेसी कहता है कि सर पूरा का पूरा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ही मुझे रिबेट दे दो, मतलब मुझे पूरा का पूरा 26,000 रिबेट दे दो। सरकार कहती है नहीं, 7,00,000 के ऊपर जितना कमाया वो रिबेट नहीं मिलेगा, 7,00,000 के ऊपर आपने कितना कमाया 10,000, तो साहब वो 10,000 छोड़ दो, हाँ बाकी रिबेट ले लो 16,000 रुपए, 16,000 रुपए का रिबेट ले लो, 7,00,000 के ऊपर जितना कमाया वो हमें पूरा का पूरा टैक्स दे दो। और सरकार ने क्या किया, पूरा का पूरा 16,000 का हमें रिबेट देगी, हमसे पूरा ही 10,000 रुपए लिया, मतलब जितना हमने 7,00,000 के ऊपर कमाया वो पूरा का पूरा ही हम अब सरकार को टैक्स देने के लिए पाऊंगे, और इस पे प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन। अच्छा आगे आते हैं 7,25,000, ध्यान दीजिएगा तो 7,25,000 पे मेरा टैक्स पेबल कितना है सर, 1,25 पे 10% 12,500 और 10,000 मतलब 27,500, अच्छा 27,500, अच्छा 3,05% प्लस 12,500, हाँ 27,500। तो हमने कहा साहब टैक्स पेबल टोटल इनकम पूरा का पूरा मालिक मुझे मतलब पूरा का पूरा मुझे 27,500 का रिबेट दे दो। सरकार कहती है नहीं, 7 के ऊपर जितना कमाया वो हमें आपको टैक्स हम आपको उतना रिबेट नहीं दे सकते, तो 7 के ऊपर तो मैंने 25 कमाया तो पूरा 25,000 माइनस करो तो रिबेट कितना बना 2,500, तो 25,000 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 1,000 रुपये बनता है, तो 26,000 रुपये बन गया। अच्छा अब देखिएगा अब ये जो है ना आखिरी में आ जाएगा,
क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना ये यहीं तक जाता है 7,27,800 रुपये समथिंग। अच्छा, मेरी इनकम है 7,27,800 रुपये, तो इसमें मुझे टैक्स कितना देना है? 1,27,800 × 0.1 + 15,000 मुझे टैक्स देना है साहब। इसमें टैक्स ऑन टोटल इनकम है 27,780 माइनस मैंने 7 लाख से ऊपर कितना कमाया सर? 27,780, तो मेरा रिबेट का अमाउंट कितना हो गया? नल, मुझे कोई रिबेट नहीं मिला। इसका मतलब 27,780 से थ्रेशोल्ड, इसके ऊपर मैं जो भी जाऊंगा फिर मुझे मतलब अब यहां से मुझे रिबेट मिलना बंद हो गया। तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 27,780 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन। इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन देख लें, 8 लाख रुपए, तो टैक्स पेबल ऑन 8 लाख कितना बनता है सर? पहले 3 लाख नील, 3 से 6 5% और 6 से 8 में 2 लाख का 10%, मतलब 20,000 + 15,000 35,000 रुपये। ठीक है सर, तो 35,000 रुपये। अच्छा, तो मैंने कहा सरकार मुझे रिबेट दे दो। सरकार कहती है ठीक है हम आपको रिबेट देंगे, पर हम आपको रिबेट कितना देंगे? सरकार ने फॉर्मूला लिखा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। मैंने कहा सरकार रुक जाओ। सरकार बोलती है नहीं, यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, हम अगली लाइन भी लिखेंगे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम माइनस टोटल इनकम माइनस 7 लाख। तो मेरा यहाँ पर टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना है? 35,000 रुपये पर टोटल इनकम माइनस 7 लाख कितना है? 1 लाख रुपये। तो क्या आपका रिबेट बनेगा? नल, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि साहब कोई रिबेट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम है वो उतना भी नहीं है जिससे आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है। ठीक बात है, तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, पूरे 8 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 35,000 + 4% समथिंग। अच्छा चलें फिर आगे आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया रिबेट अंडर सेक्शन 87A का कॉन्सेप्ट क्या है साहब। अच्छा, जल्दी से एक बार इस वाले क्वेश्चन को फिर से देख लें और एक बार अच्छे से रीड कर लें। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये कैसे काम करता है? अच्छा, आई होप आपने इसे पढ़ लिया। फिर हम आगे आते हैं जल्दी से, और हमारे लिए अगला जो टॉपिक है डेट इज सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे साहब, सरचार्ज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ मेरी सारी की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। होता क्या था, अगर हम इंडिविजुअल HUF EOP BOI वगैरह की बात करते हैं तो फाइनेंस एक्ट 2019 के पहले सरचार्ज लगता था। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स आता था उस पर 10% का सरचार्ज। और अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो जो भी आपका टैक्स पेबल आता था उस पर 15% का सरचार्ज। सो ये एक आसान मतलब जमाना हुआ करता था। हमारे देश में एक बहुत पहले से एक मांग हो रही थी कि अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाओ, मतलब टैक्स द रिच पीपल। कि साहब एक आदमी जो ऑडी कार में घूम रहा है और एक आदमी जो बेचारा साइकिल में घूम रहा है, आपने तकरीबन दोनों पर टैक्स का अमाउंट सेम ही रखा हुआ, तो आप ना अलग अलग स्लैब्स बनाओ जो कि अलग अलग लोगों के हिसाब से होगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अलग अलग स्लैब्स तो नहीं बनाए, सरकार ने सरचार्ज के रेट को बढ़ा दिया। और ये जो 15% का जो सरचार्ज था इसको सरकार ने बढ़ा के 25% भी किया और साथ में 37% भी कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने एक नए प्रकार का टैक्स इनडायरेक्ट रूप से लगा दिया, जिसको हम कहते हैं सुपर रिच टैक्स, जिसकी मांग हमारे देश में बहुत लंबे समय से हो रही थी। जहां पे सरकार ने कहा कि अब जो हाईएस्ट जो आपका सरचार्ज का स्लैब होगा वो आपका 37% होगा। तो इसका मतलब अगर लेट से 30% मेरा रेट ऑफ टैक्स प्लस 37% का सरचार्ज, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये ऑलमोस्ट 43% बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट मेरी 50% जो इनकम है मैंने उस पर टैक्स पे कर दिया। और ये क्यों था? टू टैक्स द सुपर रिच पर्सन जो कि बहुत अमीर लोग हैं सब। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, तो फिर 2019 के बाद जो सरचार्ज का जो स्लैब था वो कैसे चेंज हुआ? अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%। पहले क्या था, 1 करोड़ से ऊपर जितना भी है उस पे 15%, अब ये कैप हो गया। और क्या कह दिया गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ से ज्यादा पे 37%। अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। आर यू गाइस गेटिंग? सो ये 2019 में ये हुआ। अच्छा, जैसे सरकार ने ये नए रूल्स बनाए सरचार्ज के, मार्केट में कोहराम मच गया और लोगों ने कहा कि सर जी एक बात बताओ,
हम इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपने पहले तो हमसे सेक्शन 1034 छीन लिया और आप जो है अब आप उस पर बहुत ज्यादा सरचार्ज भी आपने हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। तो सरकार ने मार्केट, चूंकि जैसे ही आया, जैसे ये न्यूज आई, मार्केट आपका क्रैश होना शुरू हो गया। सरकार ने आनन फानन में 3-4 महीने के अंदर ही 2019 में ही एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया और सरकार ने वहां पे क्या कह दिया कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर सेक्शन 111A, जहां पे आप एसटीटी भी पे करते हैं, और LTCG अंडर सेक्शन 112A, जहां पे आप एसटीटी भी पे करते हैं, मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी दे रहे होते हैं, और आपकी डिविडेंड इनकम जो जो कि मतलब किसी जमाने में एग्जम्प्ट होती थी, तो आपने डिविडेंड इनकम पे पहले तो टैक्स लगवा दिया और आपने उसमें 37% का सरचार्ज कर दिया। तो मुझे बताए, तो सरकार ने कहा ठीक है साहब, इन तीन प्रकार की इनकम पे हम सरचार्ज को कैप कर देंगे। कितना? 15%। कितना कैप कर देंगे? 15%। क्या मेरी बात समझ पाए? तो सरकार ने क्या कहा कि तीन प्रकार की इनकम, शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर सेक्शन 111A, LTCG अंडर सेक्शन 112A और डिविडेंड इनकम, सरचार्ज को हमने कैप कर दिया 15%। तो अगर आपकी टोटल इनकम इसके अलावा अगर है, तो अगर वो 2 करोड़ से 5 करोड़ तो उस पर 25%, 5 करोड़ से ज्यादा तो उस पर 37%। अच्छा, तो यहां पे सरकार ने 111A, 112A और आपके डिविडेंड इनकम को तो कवर किया। लोगों की मांग थी कि सर 112 वाले LTCG को भी कवर कर दो, तो फाइनेंस एक्ट 2022 में सरकार ने 112 के LTCG को भी कवर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार प्रकार की इनकम, कौन कौन सी? 111A, 112A आपकी डिविडेंड इनकम और 112, इनमें जो भी आपकी इनकम आएगी उस पर कैप हो जाएगा सरचार्ज 15%। मैं कह रहा हूँ कैप हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कैप हो जाएगा, मतलब 15 से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 15 ही लगा देना, 15 से कम लग सकता है, 15 से ज्यादा नहीं। अच्छा, एक और खास बात क्या हुई कि ऐसे AOP, ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनमें सिर्फ और सिर्फ कंपनीज उसकी मेंबर हैं, उन उसके भी इनकम में सरचार्ज जो है वो कैप हो गया 15%। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसकी बाद में करेंगे। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि फाइनेंस एक्ट 2019 के पहले से लेके फाइनेंस एक्ट 2022 तक क्या मेकानिज्म बना कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से यदि आपकी टोटल इनकम ज्यादा है, तो अगर वो जो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, यदि वो 111A, 112A, 112 या फिर यदि वो डिविडेंड इनकम है, तो उस पर 15%। इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। तो ये मेकानिज्म चल रहा था। फाइनेंस एक्ट 2023 ने इसमें एक और नया काम कर दिया, और वो नया काम क्या कर दिया, बहुत ध्यान से, ऑल्टरनेट टैक्सेशन मतलब 115 BAC रिजीम को, मीन्स डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम को लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 ने यह कह दिया कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं तो आपके लिए 37% सरचार्ज अप्लाई नहीं करेगा, आपके लिए सरचार्ज का जो हाईएस्ट कैप होगा वो 25% होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सरचार्ज का हाईएस्ट जो कैप होगा वो कितना होगा? 25% होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सर फिर तो फिर सर मतलब सिंपलिसिटी में बताओ हो क्या रहा है? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक तो फिर 10%, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है तो 15%, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो अपने टोटल इनकम को बायफर्गेट करें और इसमें से जो 111A, 112 और 112A और जो आपकी डिविडेंड इनकम है उस पर सरचार्ज आपका 15% कैप हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी अदर इनकम या फिर जो रिमेनिंग इनकम है, अगर ये अप टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी 25%, बट अगर आप डिफॉल्ट से बाहर चले जाते हो तो 5 करोड़ से ज्यादा पे 37%, 5 करोड़ से ज्यादा पे 37%। तो इसका मतलब अगर मैं डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहता हूं तो साहब अगर मेरे टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 111A, 112A, 112A और डिविडेंड इनकम पे 15%, और जो रिमेनिंग इनकम मेरी अप टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। बट अगर मैं ऑप्शनल रिजीम में चला जाता हूं तो 111A, 112, 112A और आपकी डिविडेंड इनकम 15% और रिमेनिंग इनकम अप टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% और 5 करोड़ से ज्यादा पे 37%। ठीक बात है? तो इसका मतलब 37% का जो हाईएस्ट जो सरचार्ज का स्लैब है ये कब अप्लाई करेगा? जब आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से बाहर चले जाए, मीन्स आप ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में रहें और आपकी टोटल इनकम
अदर देन द इनकम अंडर सेक्शन 111A, 112, 112A और डिविडेंड इनकम यदि आपकी 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा तो जल्दी से मेरे साथ साथ क्वेश्चंस देखेंगे। और हाँ डियर, सरचार्ज की वजह से मार्जिनल रिलीफ भी आएगा, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखने वाले हैं। अपना ये वाला अगर आप चाहें तो घर पे आप ये वाली समरी पढ़ सकते हैं और साथ में ये वाली भी पढ़ लें, और तो मैं आपको उसके साथ सारी की सारी बातें तो कर ही ली। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे क्वेश्चन 5 रीड करें। अच्छा देखेंगे, मिस्टर राज हैज अ टोटल इनकम ऑफ 13 लाख रुपीस फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, कंप्यूटर्स टैक्स लायबिलिटी विद एज। अच्छा मतलब एज के हिसाब से, तो अगर इनकी एज अगर 37 ईयर्स है तो पहला स्लैब अप्लाई करेगा, पहले 2.5 लाख तक नील, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा पे 30%। तो इसका मतलब 10 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो 1,12,500 + 30%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,12,500 + 3 लाख का 30% बोले तो 90,000। अच्छा 90,000, तो इसका मतलब हुआ कि साहब 2,02,500 + 4% बोले तो 2,10,600। क्या यहाँ पे 87A का रिबेट मिलेगा? सर आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से और वो रिबेट आपकी 5 लाख रुपए तक है, बट आपके यहाँ पे टोटल इनकम 13 लाख है, तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो हमारी जो हमारा हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है? 2,60,600। अगर मेरी एज 65 साल है तो ये 1,12,500 की जगह 1,10,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 5 10% और 5 से 10 में 20, मतलब 3 से 5 5% और 5 से 10 में 20%। 1,10,000 प्लस 90,000 बोले तो 2 लाख, तो 4% 2,08,000। अच्छा अगर मेरी एज अगर 83 ईयर्स है तो ये 1,10,000 की जगह 1 लाख रुपये हो जाएगा, तो 1,90,000 + 4%, 1,90 + 4% ये बनता है 197,600। अच्छा तो 197,600, 2,08,000 और 2,10,600। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजा एज्ड 42 ईयर्स हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 51,50,000, ध्यान दीजिएगा 51,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। मतलब कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, तो इसमें सैलरी लगेगा बेसिकली। अच्छा देखेंगे मेरे साथ साथ, यू हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर राजा हैज ऑप्टेड आउट ऑफ सेक्शन 115 BAC, मतलब ये ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में है। तो आपको बताया डियर, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है तो फिर 10% का सरचार्ज भी है। ठीक है, अच्छा तो 51,50,000 पे हम सबसे पहले स्लैब रेट लगा देंगे, तो 51,50,000 पे आपको पता है 10 लाख अगर हमारी इनकम ज्यादा होती है अंडर द ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम, चूंकि आप 42 ईयर्स के, तो आपके ऊपर पहला स्लैब लगेगा, तो साहब आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी? 1,12,500 + 51,50,000 - 10 लाख इंटू 30%, सो दैट इज द बेसिक टैक्स लाइबिलिटी। कितना बनेगा? 41,50,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, ये बनता है साहब 13,57,500। अच्छा प्लस सरचार्ज भी लगेगा एट द रेट 10%, कितना? 135,750। अब ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सर, क्या
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एगाडियर जो कहलाता है मार्जिनल रिलीफ। और ये कॉन्सेप्ट क्यों है और इसको क्यों लेकर आया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस चीज को देखें डियर, अगर आपकी इनकम अगर 50 लाख तक होती तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं था, नो सरचार्ज। आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ा सा आगे बढ़ी है, 51,50,000, आपके ऊपर क्या लग गया, 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स का सरचार्ज। मतलब जो भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है उसका 10% एक्स्ट्रा लग गया सरचार्ज। इसकी वजह से इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। सर कौन सी बात की, कि 50 लाख की के ऊपर 51,50,000 जो आपकी इनकम गई, मतलब आपकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई, 1.5 लाख रुपए। हो सकता है आपके सरचार्ज की वजह से जो टैक्स लाइबिलिटी है उसकी बढ़ोतरी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। सर क्या कहना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मेरी इनकम 50 लाख रुपए होती, उस केस में मेरा टैक्स अमाउंट कितना आता, बेसिक अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आता। सर 50 लाख होती तो मैंने ऑप्ट आउट किया हुआ है तो 40 लाख रुपीज इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, उस केस में मेरा जो टैक्स अमाउंट आता वो आता 13,12,500। क्या सरचार्ज मुझे देना पड़ता, नहीं, क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख रुपए तक है, सरचार्ज 50 लाख से एक्सीड करने पे लगता है। अच्छा, मेरी जैसे टोटल इनकम 51,50,000 रुपए हुई, अब क्या होगा, 51,50,000 में जो मेरा टैक्स अमाउंट आता है वो आता है 13,57,500 प्लस साथ में चूंकि मेरी इनकम 50 क्रॉस करेगी 10% का सरचार्ज भी आएगा, 135,750। तो ये कितना बनता है, ये बनता है साहब 14,93,250। अगर आप इस चीज का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो डियर 50 लाख तक अगर मेरी इनकम है तो टैक्स अमाउंट, और 51,50,000 अगर मेरी इनकम है तो टैक्स अमाउंट, तो 50 लाख अगर मेरी इनकम है तो टैक्स अमाउंट आ रहा है 13,12,500, और अगर मेरी इनकम 51,50,000 है तो टैक्स अमाउंट आ रहा है 14,93,250। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन दोनों टैक्स अमाउंट का अगर आप डिफरेंस कंप्यूट करें तो वो डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस है सर जी 180,750। ध्यान दीजिए, 50 लाख अगर मेरी टोटल इनकम है तो टैक्स का अमाउंट है 13,12,500, अगर मेरी टोटल इनकम 51,50,000 है तो मेरा तो टैक्स का अमाउंट है 14,93,250। मतलब ये तो हद हो गई कि मेरी टोटल इनकम 50 लाख से 51,50,000 क्या हुई, आपने टैक्स का अमाउंट कितना इंक्रीज कर दिया, 1,80,750, जबकि इसके मुकाबले मेरा इनकम कितने से बढ़ा है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए से। क्या बात समझ पा रहे हैं, मतलब मेरी इनकम कितने से बढ़ी, 1.5 लाख से, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया, मेरा टैक्स बढ़ गया साहब 1,80,750 से। तो सरकार ये इंश्योर करेगी आपको कि आपका टैक्स आपके इनकम से ज्यादा नहीं बढ़े, आपका टैक्स बढ़े बट मैक्सिमम कहां तक बढ़े, आपके इनकम तक बढ़े। तो अगर आपका टैक्स चूंकि यहां पे इनकम से ज्यादा बढ़ गया तो जितना आपका टैक्स का अमाउंट आपके टोटल इनकम ओवर 50 लाख बढ़ गया, हम आपको उतना मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो आपको मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, 30,750। आपको मार्जिन रिलीफ कितना मिलेगा, 30,750। तो मेरे साथ साथ देखेंगे मार्जिन रिलीफ कितना हुआ साहब, 30,750, और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना बन गया, 15,21। आई होप ये बात आपको समझ आई। तो क्या मार्जिन रिलीफ का आप कॉन्सेप्ट समझ पाए, मार्जिन रिलीफ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि डियर सरचार्ज की वजह से हो सकता है कि मेरी जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है उसमें जो बढ़ोतरी है वो हो सकता है कि मेरे इनकम से ज्यादा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हुआ, इस केस में जैसे मेरी इनकम 50 लाख होती इस केस में जैसे मेरी इनकम 50 लाख होती तो मेरा टैक्स पेबल कितना था, 13,12,500, बट जैसे मेरी इनकम 51,50,000 है मेरा टैक्स पेबल कितना है, 14,93,250, जिसकी वजह से मेरी इनकम तो 50 लाख से 1.5 लाख बढ़ी पर मेरा टैक्स पेबल कितना बढ़ गया, 1,80,750। तो साहब जितना आपका इनकम से ज्यादा आपका टैक्स पेबल बन गया तो ये जो पोर्शन होगा, जितना आपका टैक्स पेबल आपकी इनकम से ज्यादा हो गया वो आपका क्या बन गया, 37,3750, ये आपका बन गया मार्जिनल रिलीफ। तो ये आपको मार्जिनल रिलीफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जल्दी से अगले क्वेश्चन में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और इसको खुद से करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से ठीक है। अच्छा सो आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा, चलिए मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
अंडर द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अच्छा, तो इन्होंने ना डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में ही है 115 बीएससी, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 1 करोड़ 1 लाख का इम्पैक्ट क्या आएगा, सरचार्ज। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से ऊपर जाने पे 15%। अब यहाँ पे परेशानी क्या है साहब कि मेरी इनकम 1 करोड़ से बढ़ी, मैं ये मानता हूँ कि मेरी इनकम 1 करोड़ से बढ़ी, मैं ये मानता हूं कि मेरी इनकम 1 करोड़ से बढ़ी, बट मेरी इनकम 1 करोड़ से कितनी बढ़ी सर, जरा सी बढ़ी, 1 लाख रुपए बढ़ी। इसकी वजह से हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा, चूंकि इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आता है सरचार्ज का, क्योंकि सरचार्ज पूरे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे लगता है, सरचार्ज सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर के इनकम पे जो टैक्स बना उसके ऊपर नहीं लग रहा, सरचार्ज पूरे इनकम टैक्स के अमाउंट पे लगता है। इसकी वजह से इसका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इनकम मेरी 1 करोड़ से तो सिर्फ 1 लाख बढ़ी, बट इसकी वजह से सरचार्ज मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सरचार्ज मेरा अगर इनकम से ज्यादा बढ़ जाएगा तो जितना वो सरचार्ज इनकम से ज्यादा बढ़ेगा वो मुझे मार्जिन रिलीफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे मेरी इनकम कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख। तो इसमें स्लैब रेट लगेगा क्योंकि आपकी कोई स्पेशल इनकम तो है नहीं, तो साहब 15 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो उसका 30% कर दो। तो 1 करोड़ 1 लाख इंटू माइनस 15 लाख इंटू 0.3 प्लस 1.5 लाख रुपए, तो ये बनता है 27,30,000 रुपए। अच्छा, आप चाहें तो पूरा स्लैब से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो 27,30,000 रुपए। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे हम क्या, सरचार्ज एट द रेट 15%, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो इसका 15% बनता है 409500। अच्छा, एक बार हम ना मार्जिन रिलीफ यहाँ पे चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि मार्जिन रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, बट चूंकि यहाँ पे टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से थोड़ा सा ही ज्यादा बढ़ी है तो इस बात की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे मार्जिन रिलीफ होगा। तो सर, मार्जिन रिलीफ हम कैसे कंप्यूट करेंगे, अगर मेरी इनकम 100 लाख होती तो मेरा अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कितना होता, और मेरी इनकम अगर 101 लाख है तो मेरा अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कितना। अगर मेरी इनकम लेट से 100 लाख होती तो उस केस में मेरा टैक्स पेबल कितना होता सर, 85 लाख इंटू 0.3 प्लस 1.5 लाख प्लस, क्योंकि आपकी इनकम 100 लाख है मतलब 50 लाख से ज्यादा है तो 10% का सरचार्ज तो तब भी लगता, प्लस 10% बोले तो 29,70,000। अरे, मेरी इनकम अगर 101 लाख है तो उस केस में टैक्स पेबल कितना है सर, 86 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,50,000 प्लस 15%, तो इस पर टैक्स पेबल है आपका 31,39,500। तो कितना आपका टैक्स पेबल ज्यादा हो गया, 169,500। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स पेबल था 29,70,000, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है उसकी वजह से टैक्स पेबल बन गया 31,39,500। मतलब टैक्स पेबल में इंक्रीमेंट कितना है, 1 करोड़ 1 लाख मतलब 1,69,500, पर इनकम में इंक्रीमेंट कितना है सिर्फ 1 लाख। चूंकि यहां पे इनकम में इंक्रीमेंट से ज्यादा उस इंक्रीमेंट की वजह से जो आपका टैक्स पेबल है वो बढ़ गया, तो जितना वो टैक्स पेबल बढ़ जाएगा वो आपको सरचार्ज के रूप में, वो आपको मार्जिन रिलीफ के फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब 69,500। तो यहाँ पे मार्जिन रिलीफ मेरा कितना हो गया, 69,500, और अकॉर्डिंगली मेरा टैक्स पेबल कितना बन जाएगा, बन जाएगा साहब 31,92,800। अच्छा, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख ले मेरे साथ साथ, देखेंगे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश एज 57 इयर्स हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 2 लाख। ध्यान दीजिएगा, 5 करोड़ 2 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रोटेन इंटरेस्ट। अच्छा, ही हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम द प्रोविजंस, मतलब इन्होंने ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट किया हुआ है, और अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हैं तो 5 करोड़ के ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो सरचार्ज का रेट बढ़ के 37% हो जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 5 करोड़ 2 लाख पे मेरा टैक्स पेबल कितना बनता है सर, 4,92,00,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, ये बनता है 1,48,72,500 प्लस 37% सरचार्ज, ये बनता है 55,08,25 माइनस मार्जिनल रिलीफ। अगर मेरी टोटल इनकम 500 लाख होती और 502 लाख, अगर मेरी टोटल इनकम 500 लाख होती तो उस केस में सरचार्ज 25% लगता, तो 490 इंटू 0.3 प्लस 25%, तो मेरा टैक्स अमाउंट आता 1,83,75,000। अच्छा, अब 490 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, अच्छा प्लस 25%, हाँ ये आता
1,85,000, बिल्कुल सही, मैंने वो 1,12,500 जोड़ना भूल गया था, 185,15,625,625। अगर मेरी टोटल इनकम 502 लाख है तो उस केस में मेरा टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है, 492 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 प्लस 37%, ये बनता है 2,037,5,325 माइनस 1,851,5,625। तो मेरा इंक्रीमेंट इंक्रीज इन टैक्स कितना है, 18,59,700। ध्यान दीजिएगा, 500 लाख पे अगर मेरी इनकम होती तो टैक्स पेबल था 1,85,15,625, बट अगर 502 लाख मेरी इनकम है तो टैक्स पेबल है 2,37,02,03,75,325। मतलब टैक्स पेबल में इंक्रीमेंट कितना है साहब, 18,59,700, जबकि इनकम मेरी सिर्फ कितने से बढ़ी है, 500 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए। तो मेरा रिबेट कितना हो गया, 1,659,700। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिबेट। अच्छा, टैक्स पेबल कितना बनता है, 1,964,64,250। दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने आपके साथ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के बारे में काफी ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि बहुत कुछ इसमें था। आगे आते हैं, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। तो डियर, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के लिए फिलहाल में कोई एटीआर नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम टैक्स रिजीम है और उनके ऊपर जो टैक्स पेबल है इनका 30% फ्लैट है। मतलब टैक्स एट द रेट 30% ऑन द होल अमाउंट, दैट इज यहाँ पे कोई स्लैब रेट वगैरह नहीं है। और सरचार्ज जो है वो तब लगेगा यदि इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है, तो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल रहेगा उसका 12% सरचार्ज रहेगा। ठीक है, तो चूंकि इनकम अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 12% का सरचार्ज रहेगा, तो मार्जिनल रिलीफ भी अवेलेबल रहेगा। अच्छा, फिलहाल के लिए कोई भी एटीआर फॉर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के लिए नहीं है, और जो इनकम इनकी स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होगी वो उसी स्पेशल रेट पर टैक्स होगी, फिर वो 30% पर टैक्स नहीं होगी। अच्छा, बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। हाँ, एक और छोटी सी बात, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी ये हम आपके साथ इंडिविजुअल टॉपिक्स में डिटेल में बात करेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ एक बेसिक सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं। कॉर्पोरेटिव, अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो डियर फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ना 2 ATR, फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले एक ATR था 115 BAD, फाइनेंस एक्ट 2023 ने एक और ATR इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, 115 BAE। ये हम आपके साथ तब बात करेंगे जब हम असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखेंगे। अच्छा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास ऑप्शन है कि वो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहे या इससे ऑप्ट आउट करके वो ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम को ऑप्ट इन कर सकती है। मतलब इसको आपको स्पेसिफिकली आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा, ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट नहीं है। अच्छा, तो अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं तो अगर आपकी टोटल इनकम 10,000 रुपए तक है तो 10% ऑफ द टोटल इनकम आपका अमाउंट ऑफ टैक्स होगा। 10,000 एक से लेकर 20,000 तक 1,000 प्लस जितना भी 10,000 से ज्यादा है उसका 20%, और 20,000 प्लस है तो फिर 3,000 प्लस 30%। अच्छा, सरचार्ज कितना लगेगा, अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%, और अकॉर्डिंगली मार्जिनल रिलीफ भी अवेलेबल रहेगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एटीआर की तरफ जाती है या तो 115 BAD या तो 115 BAE, उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ टैक्स है वो 115 BAD और BAE में प्रोवाइडेड है, बट वहां पे सरचार्ज कंपलसरी लगेगा 10%, चूंकि यहाँ पे 10% का सरचार्ज कंपलसरी है। मतलब यहाँ पे जो सरचार्ज लग रहा है वो इनकम के लेवल के हिसाब से नहीं है, दिस इज द कंपलसरी सरचार्ज, इसलिए यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई। आगे आते हैं डोमेस्टिक कंपनी। तो साहब, डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी 2 ATR है, एक है 115 BAA, एक है 115 BAB। तो डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो उसको ऑप्टेन कर सकती है। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी इन दोनों में से जिस भी ATR को ऑप्टेन करेगी, उस सिचुएशन में 10% का सरचार्ज मैंडेटरी लगेगा, और चूंकि सरचार्ज मैंडेटरी है तो कोई भी मार्जिन रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल में रहते हैं तो अगर आपकी प्रीवियस ईयर 21-22 क्या, अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर आपका अप टू 400 करोड़ है तो 25%, और अगर 400 करोड़ से ज्यादा है या फिर अदरवाइज है तो 30%। तो अगर आप एक
अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी है तो प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है तो 25%, अदरवाइज 30%। अच्छा सरचार्ज क्या होगा? सरचार्ज वही होगा जो कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए था। जैसे कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ज्यादा पे 12%। अच्छा, और चूंकि यहाँ पे सरचार्ज इनकम के बेसिस पे है, मैंडेटरी सरचार्ज नहीं है, तो मार्जिन रिलीफ भी अवेलेबल होगा। लग यहाँ फॉरन कंपनी की भी बात कर लेते हैं। फॉरन कंपनी का जो बेसिक टैक्स रेट है वो 40% है, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि इनका बेसिक टैक्स रेट ज्यादा है तो इनके ऊपर सरचार्ज कम है, तो अगर इनका टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, अगर इनका टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 2%, अगर इनका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% का। और चूंकि सरचार्ज आपका इनकम के बेसिस पे है तो अकॉर्डिंगली मार्जिन रिलीफ भी अवेलेबल रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं साहब डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी या किसी भी एसएससी की, ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये स्पेशल इनकम पे अप्लाई नहीं करता। जो स्पेशल इनकम आपका चैप्टर नंबर 12 में, जो स्पेशल इनकम आपका चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड है, जैसे 111A, 112, 112A वगैरह वगैरह, उस पे ये रेट अप्लाई नहीं करते, ये रेट अप्लाई नहीं करते। ये आपका उसी स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होगा जो कि आपका 111A, 112, 112A वगैरह में गिवन है। ये तो आपके अदर इनकम पे अप्लाई करता है, ठीक है साहब। अच्छा, सो हमने आपको सारी बातें बता दी हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अच्छा मेरे साथ साथ देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय वाई लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी। अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 10 करोड़ 1 लाख रुपए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में इनका टर्नओवर कितना था। दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAB और BA। ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 21-22 वॉज 410 करोड़, मतलब 400 करोड़ से ज्यादा, मतलब 30%। इनके ऊपर 30% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी टोटल इनकम कितनी है, 10 करोड़ 1 लाख रुपए। इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना बनता है, 30%, मतलब 0.3 बोले तो 3 करोड़ 30 हजार रुपए। चूंकि इनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे सरचार्ज भी लगेगा, और यहाँ पे सरचार्ज का रेट क्या होता है, टोटल इनकम 1 करोड़ तक नील, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ज्यादा पे 12% प्लस सरचार्ज 12%। ये बनता है 36 लाख। अच्छा, अगर सर इनकी टोटल इनकम 10 करोड़ तक होती तो क्या होता, तो सरचार्ज 7% होता, क्योंकि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के स्लैब के ब्रैकेट में 7% और 10 से ऊपर में 12% और 1 करोड़ तक निल। तो साहब चूंकि यहाँ पर टोटल इनकम अगर 10 करोड़ तक होती तो 7%, बट चूंकि 10 करोड़ से 1 लाख रुपए ज्यादा है तो इसकी वजह से सरचार्ज 7 का 12 हो गया, और ये 7 का जो 12 सरचार्ज हुआ, मतलब 5% जो सरचार्ज में बढ़ोतरी हुई, ये पूरे के पूरे क्यूमुलेटिव इनकम टैक्स को कवर करता है। आर यू गाइस गेटिंग? ये पूरे के पूरे क्यूमुलेटिव इनकम टैक्स को कवर करता है। इसकी वजह से हो सकता है कि सरचार्ज की वजह से जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो आपके इनकम से ही ज्यादा हो जाए, ठीक बात। अच्छा, तो यहाँ पे हमें मार्जिन रिलीफ देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो अगर आपकी लेट से टोटल इनकम 10 करोड़ होती, उस केस में कितना बनता सर, 3 करोड़ प्लस 7% बोले तो 21 लाख, तो 3 करोड़ 21 लाख रुपए बनता। बट आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ 1 लाख है, उस केस में कितना बनेगा, क्योंकि सरचार्ज 12% हो गया। ध्यान दीजिएगा, 10 करोड़ 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए जो आपकी इनकम बढ़ी, उसकी वजह से जो आपका बेसिक टैक्स है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ, पर सरचार्ज जो है वो बढ़ गया, और सरचार्ज सबके लिए बढ़ गया, तो इसकी वजह से इंपैक्ट ज्यादा हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ पाए। अच्छा देखेंगे मेरे साथ साथ, ये बनता है 3 करोड़। अच्छा ये ना, 3 करोड़ 36 लाख 33 हजार 600, और पहले बनता था 3 करोड़ 21 लाख, तो इंक्रीज इन टैक्स कितना बना, ये बनता है साहब 15 लाख 33 हजार 600, जबकि इंक्रीज इन इनकम कितना है, सिर्फ 1 लाख। तो मार्जिन रिलीफ कितना बन गया, 14,33,600। अच्छा, डेट इज द मार्जिन रिलीफ। तो आपका टैक्स पेबल कितना बनेगा, आपका टैक्स पेबल कितना बनेगा, वो बनेगा आपका
समथिंग लाइक 3,34,88,000 रुपए। अच्छा, सो डेट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, आगे आते हैं कुछ और बेसिक बेसिक सी बातें, अदरवाइज हमारा आज का जो कंटेंट है, मतलब जो आज हमने प्लान किया तो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या देखना है, कुछ बेसिक सी बातें देखनी है। चलें। अच्छा, चल एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ और बेसिक सी बातें करना चाहता हूँ। देर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बार बार एक ही बात बताई, वो बात हमने आपको क्या बताई कि आपके लिए जो इनकम टैक्स रेट्स हैं साहब, वो आपके दो तरीके के इनकम हो सकते हैं, एक होता है नॉर्मल इनकम, एक होता है स्पेशल इनकम। ठीक बात है। अच्छा, जो आपका स्लैब रेट अप्लाई करता है वो आपके नॉर्मल इनकम पे अप्लाई करता है, जो आपका स्पेशल इनकम होता है जिसके लिए चैप्टर 12 ने अलग से रेट्स दिए गए हैं, उस पर स्लैब रेट अप्लाई नहीं करता, उस पर स्लैब रेट अप्लाई नहीं करता। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, और यदि आपका नॉर्मल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 3 लाख एज द केस में भी उसको एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में आप अपने कुछ स्पेशल इनकम को भी यूज कर सकते हैं फॉर दैट अनएग्जॉस्टेड पोर्शन। और वो कौन कौन सी इनकम आप यूज कर सकते हैं, आप 111A का शॉर्ट टर्म कैप गेन यूज कर सकते हैं, आप 112 का LTC यूज कर सकते हैं, और आप 112A का LTC यूज कर सकते हैं। तो सर क्या कहना चाहते हो, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरी टोटल इनकम है 5 लाख रुपए, मैं एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ, मेरी टोटल इनकम है 5 लाख रुपए, और ये 5 लाख रुपए की टोटल इनकम मैंने कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी सेल की थी जिससे मेरी ये टोटल इनकम आती है 5 लाख रुपए। मेरा इसके अलावा और कोई इनकम नहीं, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम, और मैंने लेट्स से कि डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में मैं हूँ, तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में 3 लाख रुपए का स्लैब है, तो मैं इस 5 लाख रुपए को यूज कर सकता हूँ अपने 3 लाख रुपए को एग्जॉस्ट करने में, मीन्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को यूज करने में। इसके बाद जो 2 लाख रुपए बच गए, अब ये सेक्शन 112 के रेट पे जाके टैक्स होंगे, ये 5% पर टैक्स नहीं होंगे। अब ये जो 2 लाख रुपए बच गया, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आपका अनएग्जॉस्टेड था, उसको एग्जॉस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग आपका स्पेशल इनकम बच गया, अब उस स्लैब रेट पर टैक्स नहीं होगा, अब वो उसके अपने स्पेशल रेट पर टैक्स होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो इसी को लेके इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे साहब। अच्छा, कैलकुलेट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट एट 24-25 इन द फॉलोइंग केसेस, मिस्टर ए एज 52 इयर्स। अच्छा, इनका जो स्टेटस, ये रेसिडेंट है और टोटल इनकम अदर देन LTCG 2,40,000, और इनका LTCG आता है 85,000 फ्रॉम द सेल ऑफ अ वैकेंट साइट। इसका मतलब ये जो LTCG है ये सेक्शन 112 में कवर्ड है। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे तो आगे क्या है, उन्होंने कहा है कि दो ऑप्शन हैं आपके पास, पहला कि ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में टैक्स पे करते हैं, और दूसरा ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम से बाहर हो गए और ये ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में टैक्स पे करते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर ए की बात कर लेते हैं, लेट्स से डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। तो यहाँ पे इनका टोटल इनकम कितना बनता है, टोटल इनकम इनका बनता है 3,25,000 रुपए। अच्छा, इस 3,25,000 में से चूंकि इनका जो स्लैब रेट है वो 3 लाख रुपए का, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की है, ये जो 2,40,000 रुपए है ये तो एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि ये अदर देन LTCG है, बट 3 लाख की मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से जब मैं 2,40,000 रुपए एग्जॉस्ट करा भी देता हूं तो भी 60,000 रुपए मेरा अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बचा रहता है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो साहब ये जो 60,000 रुपए का अनएग्जॉस्टेड पोर्शन ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मैं इसको सेक्शन 112 के 85,000 से एग्जॉस्ट करा सकता हूं। तो जो 85,000 है इसमें से 60,000 रुपए मैंने क्या किया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का एग्जॉस्ट करवा दिया, क्योंकि सेक्शन 112 मुझे अलाउ करता है कि अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF हैं, अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्टेड रह गया तो आप 112 का LTCG यूज करके उसका अनएग्जॉस्टेड पोर्शन एग्जॉस्ट करा सकते हैं। तो मैंने वो करा दिया, इसके बाद मेरा LTCG कितना बचा, 25,000। ध्यान दीजिएगा, बट ये 25,000 का जो रिमेनिंग LTCG है ये स्लैब रेट पर टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए सेक्शन 112 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन 115 BAC को ओवररूल कर देगा और ये जो 25,000 रुपए है साहब ये मेरा 112 के हिसाब से टैक्स होगा। इसका मतलब 25,000 एट द रेट ऑफ 20% बोले तो 5,000 रुपए। अच्छा,
और चूंकि मैं एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं और मैंने डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट किया हुआ है, तो 7 लाख रुपए तक की अगर मेरी इनकम आती है तो उसमें मैं 87A का रिबेट क्लेम कर सकता हूं, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 व्हिचएवर इज लेस, तो मैं तो पूरा का पूरा 5,000 रुपए में रिबेट क्लेम कर लूंगा अंडर सेक्शन 87A। तो मेरे पास जो टैक्स पेबल है डेट वुड बी निल। अच्छा, तो जो टैक्स लायबिलिटी आएगी डेट वुड बी निल। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो डियर यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये जो आपका, अच्छा ये जो आपका जो 2,40,000 रुपए है ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एग्जॉस्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने 85,000 रुपए जो कि आपका स्पेशल इनकम है उसको मैंने यूज कर लिया 60,000 रुपए तक का, और बाकी जो 25 बच गया उसको फिर मैं स्लैब पर टैक्स नहीं करूंगा, उसको मैं 112 के हिसाब से टैक्स करूंगा। अच्छा, अब लेट्स से कि मिस्टर ए जो है वो ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं, तो क्या होगा उस केस में? सर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2,50,000 होगी इनके लिए, क्योंकि इनकी एज 52 साल है, तो 2,50,000 रुपए। बट सर मेरी तो रेगुलर इनकम 2,40 है, 10,000 रुपए बच गया, तो इस 85 में से 10,000 रुपए मैं वहां यूज कर लूंगा, तो मेरा LTCG रिमेनिंग कितना बचा? 75,000। 75,000 20% के रेट पे बोले तो 15,000। अच्छा, चूंकि मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं जिसकी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए तक है, तो मुझे 87A का रिबेट मिलेगा, बट वो रिबेट कितना होगा? सर मैक्सिमम 12,500, तो मुझे 12,500 का रिबेट मिल गया, तो मेरा टैक्स पेबल कितना बना? 2,500 प्लस 4% बोले तो 2600 रुपए। अच्छा, तो मेरा टैक्स पेबल बना 2600। तो डियर अगर मिस्टर ए अगर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में टैक्स पे करते हैं देन निल, और मिस्टर ए अगर ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाते हैं तो 2600 रुपए। तो थोड़ा सा इस चीज को देख लें। अच्छा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब अब बात करते हैं मिसेस बी की। ध्यान दीजिएगा, मिसेस बी नॉन रेसिडेंट है, ध्यान दीजिए मिसेस बी नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट को सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता। आर यू गाइस गेटिंग? बट क्या सर नॉन रेसिडेंट 115 बीएससी ऑप्टिक, क्या नॉन रेसिडेंट के ऊपर भी 115 बीएससी अप्लाई करेगा? हाँ डियर, नॉन रेसिडेंट के ऊपर भी 115 बीएससी अप्लाई करेगा। बट मान लीजिए मिसेस बी अगर 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करती हैं तो क्या उनको हायर स्लैब बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनकी एज 67 साल है? नहीं सर, क्योंकि जो 60 ईयर्स प्लस वाला जो स्लैब है या 80 इयर्स या प्लस वाला जो स्लैब है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, और मिसेस बी क्या है? नॉन रेसिडेंट, इसलिए इनको यहाँ पे हायर स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे इनकी जो LTCG आता है वो आता है 3,10,000 रुपए, और साथ में ये 10,000 रुपए इन्होंने LTCG कमाया है फ्रॉम द सेल ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जहां पे STT पे किया ऑन परचेज ऑन सेल। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो LTCG है डियर ये सेक्शन 112A में टैक्स होता है, तो पहले 1,00,000 तक एग्जम्प्ट होता है, चूंकि 10,000 है तो ये निल हो गया, तो ये एग्जम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 112A। हो सकता है आपको समझ भी ना आए, बट कुछ भी ये तो मतलब बेसिक सी बात है, और तो इसके बारे में हम आपके साथ कैपिटल गेन में और भी ज्यादा बात करेंगे। अच्छा, तो मिसेस बी का जो टोटल इनकम है वो है 3,10,000। अगर ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम में रहती हैं उस केस में क्या होगा? पहले 3,00,000 तो आपके खत्म हो गए, बचे कितने? 10,000। चूंकि ये आपका रेगुलर इनकम है तो वो स्लैब पे टैक्स होगा 5% पे, 500। क्या इनको 87A का रिबेट मिलेगा? नहीं सर, चूंकि ये नॉन रेसिडेंट है, तो 500 प्लस 4% बोले तो 520 रुपए। अगर मिसेस बी ऑल्टरनेट टैक्सेशन मतलब ऑप्शनल टैक्सेशन रिजीम में जाती हैं तो 3,10,000 ये हायर स्लैब बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज शी इज अ नॉन रेसिडेंट। तो 3,10,000 में से 2,50,000 माइनस होगा इंटू 5% प्लस 4% तो बन जाए, तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शनल रिजीम में जाती हैं तो ये टैक्स अमाउंट हो जाएगा 3,120। तो मिसेस बी अगर डिफॉल्ट रिजीम में रहेंगे टैक्स वुड बी 520। अगर ये ऑप्शनल रिजीम में जाएंगी, अगर ये ऑप्शनल रिजीम में जाएंगी तो टैक्स वुड बी 3,120। और अपने क्लाइंट को डियर बहुत सोच समझ के आपको एडवाइस देनी पड़ेगी कि उनको कौन सा रिजीम चूज करना चाहिए। अच्छा, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है डियर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मिस्टर सी 83 इयर्स, बट ये रेजिडेंट है। अच्छा, चूंकि ये रेजिडेंट है तो इनको 87A भी मिल जाएगा, और अगर ये डिफॉल्ट रिजीम से बाहर निकलते हैं मीन्स अगर ये ऑप्शनल रिजीम में जाते हैं तो इनको 5,00,000 रुपए वाला स्लैब भी मिल जाएगा, तो इनको ये दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, अच्छा इनके जो टोटल इनकम है वो 5,90,000 और 60,000 रुपए इनका LTCG है, बट ये फ्रॉम द सेल ऑफ एग्री लैंड मीन्स एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। तो डियर ये जो एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया होता है वो कैपिटल असेट नहीं होता, तो ये 60,000 रुपए आपका जो है वो एक एग्जम्प्ट इनकम है, दिस इज नॉट अ टैक्सेबल कैपिटल गेन, तो ये ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो आपका जो मतलब टैक्सेबल अमाउंट है वो 5,00,000। अच्छा, अगर ये डिफॉल्ट रिजीम में रहते हैं तो इनको हायर स्लैब नहीं मिलेगा, इनको 3,00,000 रुपए वाला ही मिलेगा, तो 2,90,000 का 5%, तो ये बनता है साहब 1,450।
बट चूंकि ये रेजिडेंट है तो उनको रिबेट मिल जाएगा, तो पूरा 14,500 रिबेट मिल गया, टैक्स पे बंदल। अच्छा, अगर ये ऑल्टरनेट रिजिम में जाते हैं तो 5 का स्लैब बेनिफिट मिल जाएगा, तो 90,000 इंटू 5% 20%, अच्छा 5 के ऊपर 20% इंटू 0.2, ये बनता है 18,000 रुपये। इनको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी इनकम 5,90,000 है, जो 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए इनको रिबेट नहीं मिलेगा। तो 18+4% तो ये बन जाएगा 18,720। ध्यान दीजिए डियर, अगर ये डिफॉल्ट रिजिम में रहते हैं तो निल टैक्स पेबल, अगर ये ऑप्शन में जाते हैं तो 18,720 का टैक्स पेबल। तो आप इस बात को समझें कि कितना ज्यादा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा इन दोनों रिजिम्स के बीच में एनालिसिस करते समय। देखेंगे, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड करती है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं, मिस्टर डी की बात कर लेते हैं। देखिए, मिस्टर डी नॉन रेसिडेंट हैं, भले ही 82 इयर्स के हैं बट ये नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट होने की वजह से ना तो इनको रिबेट मिलेगा और ना इनको हायर स्लैब रेट मिलेगा अगर ये ऑप्शनल में जाते हैं तो। इनकी जो टोटल इनकम है वो है 4,80,000, तो अगर ये डिफॉल्ट में रहते हैं तो 1,80,000 इंटू 5% बना कितना, 9,000। चूंकि ये नॉन रेसिडेंट है इसलिए इनको 87 का रिबेट नहीं मिलेगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो ये बन जाता है 9,360। अगर ये ऑप्शनल में चले जाते हैं तो 2,50,000 एग्जम्प्ट होगा, तो 4,80,000 माइनस 2,50,000 इंटू 5% प्लस 4%, ये बनता है 11,960। तो 9,360 अच्छा, अगर ये ऑप्शन में चले जाते हैं तो 11,960। अच्छा, आगे आते हैं डियर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10-12 मिनट मुझे और देते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, जो भी आपका टैक्स पेबल आता है, चाहे आप स्लैब रेट पे आपका टैक्स पेबल है या स्पेशल इनकम है, व्हाटएवर द केस में भी, उस टैक्स पेबल में से रिबेट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स जोड़ना पड़ेगा। अगर लेट से रिबेट का केस नहीं है, अगर लेट से सरचार्ज का केस है, तो टैक्स पेबल प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ इफ एनी, तो जो आपका बैलेंस बचेगा उसमें फर्दर सरचार्ज लग जाता है जो कहलाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के रेट पे। सो व्हाट एवर इज गोइंग टू बी द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर कंसिडरिंग रिबेट एज द केस में भी और सरचार्ज प्लस मार्जिनल रिलीफ, तो जो आपका बैलेंस बचेगा डेट वुड बी सब्जेक्ट टू अ फर्दर इंक्रीज ऑफ 4% इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं, राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम टैक्स एक्सेट्रा। अब ये बहुत अजीब अजीब सी बात है डियर फ्रेंड, जो भी आपका टोटल इनकम जो होगा, जो भी आपका टोटल इनकम होगा वो नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो लेट्स से कि अगर आपकी टोटल इनकम आती है 5,28,322 रुपये 25 पैसे, 5,28,322 रुपये 25 पैसे, तो ये जितना भी ये पैसा जो है, मीन्स 25 पैसा, ये 25 पैसा इग्नोर कर दोगे आप, और चूंकि ये 25 पैसे को हटाने के बाद जो आखिरी का जो फिगर है वो राउंड ऑफ नहीं हुआ हुआ है, तो जो ये फिगर 2 है, तो अगर ये फिगर 5 से लेस है तो उसको हटा दो, तो आपका जो आपकी जो इनकम आ जाएगी वो बन जाएगी 528,320। ठीक बात है। अच्छा, अगला एग्जांपल देख लें। अगर लेट से कि अगर मेरी टोटल इनकम या इनकम टैक्स लायबिलिटी है 78,827.80, तो जो पैसा का पोर्शन है ये हटा दो, पैसे को हटाने के बाद जो आखिरी फिगर है, अगर ये 10 के मल्टीपल पे नहीं है बट ये 5 या उससे ज्यादा है, तो ये अगले मल्टीपल पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट होकर कितना हो गया, 78,830, तो 78,830 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी छोटी सी बातें, ऑल दो आपको लग रहा होगा कि सर अब तो हो गया, बट चलें थोड़ा सा मुझे और समय दे दें। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ना इनकम टैक्स एक्ट में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। बहुत बार सरकार जो है वो असेसी को इंटरेस्ट दे रही होती है, बहुत बार असेसी सरकार को इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होता है। अच्छा, तो जो भी इंटरेस्ट होता है, जिस प्रिंसिपल में, जो प्रिंसिपल का अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा,
उस प्रिंसिपल को आपको 100 के फिगर में लेकर आना पड़ेगा। मतलब अगर वो प्रिंसिपल का अमाउंट 100 के मल्टीपल में नहीं है तो हमेशा उसको आपको 100 के मल्टीपल पे लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी 100 के मल्टीपल का पोर्शन नहीं है उसको हटाना पड़ेगा ताकि ये 100 के मल्टीपल में आ जाए। सर क्या बोलना चाहते हैं? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से कि अगर जो प्रिंसिपल का अमाउंट है जिसपे इंटरेस्ट पेएबल है, अब लेट से वो जो अमाउंट है, लेट से डेट अमाउंट इज 28,322.25, उस केस में आपको इस पूरे के पूरे फिगर को 100 के मल्टीपल पे लेकर आना पड़ेगा और आप इसको कहां लेके जाएंगे, 28,300 रुपए। मतलब जितना पोर्शन 100 के मल्टीपल पे नहीं है उसको उड़ा दो, उस पे वो कैलकुलेट वो मतलब कैलकुलेशन में नहीं आएगा और इंटरेस्ट जिस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा वो होगा 28,300 रुपए। ठीक बात है। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर लेट से अमाउंट है कोई 28,392.25, तो चूंकि अगेन ये 100 के मल्टीपल पे नहीं है तो अगेन हम पूरे 92.25 रुपीज को उड़ा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 28,300। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर लास्ट फिगर 50 रुपए या उससे ज्यादा है तो 100 का अपर मल्टीपल या लोअर मल्टीपल, नहीं। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका लास्ट फिगर 100 के मल्टीपल पे नहीं है तो जितना भी वो पोर्शन है उसको हटा दो ताकि लोअर वाला 100 का मल्टीपल आ जाए। एक और एग्जांपल ले लें, अगर लेट से जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट पेबल है वो अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 46,998.70, अब क्या होगा, क्योंकि लास्ट का जो फिगर है आपका डेट इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 100, तो आप इसको लोअर हमेशा लोअर के 100 मल्टीपल पे लेके जाएंगे, ये कितना बन जाएगा, 46,900, और इस पे आपका इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। तो सर क्या ये बहुत ज्यादा हमें फॉलो करना पड़ता है? एडीआर इंस्टीट्यूट अब इन चीजों को फॉलो करता है और एमसीक्यूज में, अगर लेट से एमसीक्यूज में इंस्टीट्यूट जो ऑप्शन देता है ना वो बहुत क्लोज होते हैं, तो लेट से अगर कहीं पे इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन है तो अगर आपने अगर इस वाले रूल 119A को फॉलो नहीं किया बट ICAI ने 119A को फॉलो करके अगर आंसर दे दिया और दूसरा आंसर उन्होंने उसको बिना फॉलो किए दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बिना फॉलो किए हुए आंसर को टिक कर देंगे, आपको 2 नंबर चले जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा बहुत बार क्या होता है डियर, जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो इंटरेस्ट का जो कंप्यूटेशन होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है, तो अगर इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन अगर एनुअल बेसिस पे है तो अगर मंथ्स हैं तो आपको मंथ्स को एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी राउंड ऑफ द मंथ है उसको हटा दोगे और जो आपका फ्रैक्शन ऑफ द मंथ हट जाएगा और फाइनली आपका मंथ आ जाएगा जिसपे आप अकॉर्डिंगली अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बट अगर बहुत बार क्या होता है कि हमें ना इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ता है एट द रेट ऑफ लेट्स से 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक बात है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, उस केस में एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी डीम्ड एज अ फुल मंथ एंड इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि एसएससी को कोई टैक्स पे करना था लेट्स से 7 जुलाई तक, एसएससी ने वो टैक्स पे किया लेट्स से 15 सितंबर को, तो सर कितने महीने होंगे, और लेट्स से जो इंटरेस्ट पेएबल है वो है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अब क्या होगा, तो सर 7 जुलाई से लेके 6 अगस्त, ये पूरा 1 महीना हो गया, 7 अगस्त से लेके 6 सितंबर ये सेकंड मंथ हो गया और 7 सितंबर से लेके 15 सितंबर ये फ्रैक्शन ऑफ द मंथ है बट इसको पूरा 1 महीना मान लेंगे, मतलब 3 महीने हो गए, तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कंप्राइज्ड इन द मंथ, तो फिर द एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी डीम्ड टू बी अ फुल मंथ एंड इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेट्स से 7 जुलाई को मुझे कोई टैक्स पे करना था, मैंने 15 सितंबर को किया, तो 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त का जो महीना होगा वो 1 महीना हो गया पूरा, दूसरा 7 अगस्त से लेके 6 सितंबर एक और महीना हो गया, और तीसरा 7 सितंबर से लेके 15 सितंबर, ऑल्दो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ द मंथ बट हम फ्रैक्शन ऑफ द मंथ को भी हम क्या मानेंगे, फुल मंथ, बिकॉज ऑफ रूल 119A के हिसाब से पूरा महीना मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको 3 महीने का इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। अच्छा हमने आपके साथ बाकी तो सारी चीजें देख लेना, एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचता है जो कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। उसके पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली देख लूँ कि क्या हमने और सब कुछ कवर कर लिया ना, ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्कुल ही कवर करना रह गया। ये हमने लास्ट क्लास में आपके साथ देख ही लिया था।
इनकम की डेफिनेशन हमने आपको कहा था कि घर पे पढ़ें जरूर से। अच्छा, ये चीज़ें बाद में कवर करनी है, और ये भी हमने देख लिया था, ये सारी बातें हमने आपके साथ देख ली थी। अच्छा, सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर, बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। अच्छा, डिफरेंस मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। अब ध्यान दीजिएगा, अब लेट्स से कि ये हमारे एसोसी हैं, लेट्स से मिस्टर ए, ये ना सोर्स ऑफ इनकम है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, और ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि इनका कोई जॉब हो, या हो सकता है कि इनका कोई बिजनेस हो, या हो सकता है कि इनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी हो, वट एवर द केस में भी ये सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से मिस्टर ए के पास लेट से हर महीने के 1,00,000 रुपए आते हैं। अच्छा, अब 1,00,000 रुपए हर महीने की इनकम मिस्टर ए के पास जब आ जाएगी, इसके बाद मिस्टर ए उस इनकम को जैसे भी खर्चा करें, जैसे भी जिसको भी दें, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहलाएगा और ये 1,00,000 रुपए मिस्टर ए के हैंड में लायबल टू टैक्स होगा। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मतलब एक बार अगर इनकम मिस्टर ए के हैंड्स में अकर हो जाती है, तो उसके बाद मिस्टर ए उसको जैसे भी यूज करना चाहे, वो मिस्टर ए का कॉल है, आप उसको जैसे भी यूज करना चाहें साहब, आप उसको यूज कर दें, आप उसको किसी को दान में दे दें, आप उससे जो है वो मतलब भंडारा करा दें, आप उससे जाके शॉपिंग कर लें, वट एवर यू कैन डू, इट्स योर कॉल। इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए मिस्टर ए 1,00,000 रुपए हर महीने कमा रहे हैं, अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगेगा, जिसको जो कि मिस्टर ए को देना पड़ेगा। अच्छा, मिस्टर ए 1,00,000 रुपए लेट से पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और लेट से ये अपने ड्राइवर को 10,000 रुपए हर महीने देते हैं। मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो ड्राइवर को 10,000 रुपए हर महीने दे रहा हूं, इसलिए मेरे हैंड में जो इनकम होगी वो सिर्फ 90,000 पर मंथ होनी चाहिए, बिकॉज 10,000 रुपीज आई एम लाइबल टू पे टू माई ड्राइवर। क्यों? क्योंकि 1,00,000 रुपए की इनकम आपके पास अकर होने के बाद आप 10,000 रुपए उसमें से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आर यू गेट्स गेटिंग? मिस्टर ये नहीं कह सकते कि मैंने ड्राइवर के साथ ना एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जहां मैं ड्राइवर को 5 साल तक नौकरी से नहीं हटा सकता, और हर महीने में ड्राइवर को 1,00,000 रुपए दूंगा, इसलिए ये जो मतलब हर महीने में ड्राइवर को 10,000 रुपए दूंगा, इसलिए मेरे हैंड में सिर्फ 90,000 रुपीज का असेसमेंट होना चाहिए और ड्राइवर के हैंड में 10,000 रुपीज का असेसमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपने अपने हिसाब से एंटर किया हुआ है। तो एक बार आपके पास पैसे आ रहे हैं, इन वट एवर फॉर्म और इन वट एवर मैनर यू यूज दैट इनकम, दैट इज योर कॉल, और इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक बात है, बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है डियर, जो कहलाता है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, बाय ओवरराइडिंग टाइटल। अब ये क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। बहुत बार क्या होता है कि अंडर सम लीगल ऑब्लिगेशन या अंडर सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इनकम सोर्स से ही डाइवर्ट हो जाती है टू सम अदर पर्सन। इनकम सोर्स से ही डाइवर्ट हो जाती है टू सम अदर पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से मिस्टर ए को उनके फादर ने कोई हाउस प्रॉपर्टी दे दी जो कि 1,00,000 रुपए पर महीने का रेंटल देती है, पर साथ में मिस्टर ए के फादर ने मिस्टर ए के साथ एक अग्रीमेंट किया कि आपको हर महीने 20,000 रुपए इस हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम में से 20,000 रुपए मिसेस ए को, मतलब मदर ऑफ मतलब अच्छा मिस्टर ए के फादर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कोई हाउस प्रॉपर्टी दी। ठीक बात है, बट साथ में मिस्टर बी ने एक कंडीशन लगा दिया कि इसमें से जो भी रेंटल इनकम आएगा वो हर महीने मिसेस बी को 20,000 रुपए दिया जाएगा। मिस्टर ए ने इस हाउस प्रॉपर्टी को लेते टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अग्री किया, मीन्स मिस्टर इज अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंडेशन टू पे ₹20,000 टू मिसेस बी फ्रॉम दैट रेंटल इनकम। इवन इवन आप इसको ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं
कि सोर्स ऑफ इनकम में से जो 1 लाख रुपए आ रहे हैं ना, वो 1 लाख रुपए नहीं आ रहे, इसमें से 20,000 जा रहे हैं टू मिसेस बी और सिर्फ 80,000 आ रहे हैं टू मिस्टर। तो डियर, अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से सोर्स से ही इनकम डाइवर्ट हो रही है, सोर्स से ही इनकम डाइवर्ट हो रही है इन द हैंड्स ऑफ सम अदर पर्सन, तो आप इसको नाम देते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। ऐसे सिचुएशन में मिस्टर ए के हैंड में सिर्फ 80,000 रुपए पर महीने टैक्सेबल होंगे या लाइबल टू टैक्स होंगे और मिसेस बी के हैंड में 20,000 रुपए पर मंथ लाइबल टू टैक्स होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब लेट से कि मिस्टर ए के पास पूरे 1 लाख रुपए आ रहे हैं जिसमें से मिस्टर ए हर महीने 20,000 रुपए जो है वो मिसेस बी को पे कर रहे हैं, तो इस केस में आप इसको ये नहीं बोलेंगे डेट इज कि यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे किसी भी तरीके का कोई लीगल या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। बट अगर जो सोर्स के टाइम पे ही या सोर्स में ही अगर कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन इंपोज कर दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के केस में कर दिया गया जहां पे जो हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दी जा रही है वहां पे लिख दिया गया कि इस हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम में से हर महीने 20,000 रुपए मिसेस बी को दिए जाएंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर ए के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट 20,000 रुपए मिसेस बी को देना। और यहां पे क्या हो रहा है, 20,000 रुपए का इनकम मिसेस बी को डाइवर्ट हो रहा है, पर कैसे डाइवर्ट हो रहा है, बाय ओवरराइडिंग टाइटल। मतलब ये जो है वो मिस्टर ए का बना ही नहीं, इसके पहले ये मिसेस बी के पास चला गया। पर अगर लेट से ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता और मिस्टर ए अपने मन से जो है वो 20,000 रुपए अगर मिसेस बी को दे रहे होते तो यहां पे ओवरराइडिंग टाइटल के थ्रू कोई डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, फिर ये क्या कहलाता कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए मिस्टर ए के पास जा रहा है और पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का असेसमेंट मिस्टर ए के हैंड में होता। आर यू गाइस गेटिंग? मेरे साथ साथ देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। मतलब डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल सिग्निफाइज डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स, मतलब जहां से पैसा आ रहा है, जहां से सैलरी की इनकम आ रही है, जहां से बिजनेस इनकम आ रही है, जहां से रेंटल इनकम आ रही है, जहां से बाकी इनकम आ रही है, उस जगह पे ही डाइवर्जन, उस जगह पे ही कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के थ्रू वहीं से ही पैसा किसी और पर्सन को डाइवर्ट किया जा रहा है। बिफोर इट रीचेस टू द ससी, मतलब मिस्टर ए। अच्छा, सच अ डाइवर्जन कैन टेक प्लेस इधर अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन और अंडर सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और अदरवाइज एन ऑब्लिगेशन टू अप्लाई द इनकम इन अ पर्टिकुलर वे। ध्यान दीजिएगा, बिफोर इट हैज अकर्ड और अराइजन टू द ससी रिजल्ट्स इन द डाइवर्जन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख रुपए का रेंटल इनकम मिस्टर ए के पास पूरा का पूरा नहीं आ रहा, इसके पहले ही उसमें से 20,000 रुपए डाइवर्ट हो रहा है अंडर सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मिसेस बी। इसकी वजह से मिस्टर ए के लिए जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब मानी जाएगी वो सिर्फ 80,000 मानी जाएगी। देखेंगे, however, an obligation to apply income which has occurred or arisen or has been received is basically an application of income and not a diversion. अब let's say कि 1 लाख रुपए पूरे के पूरे मिस्टर ए के पास आ रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए के सोर्स में किसी भी तरीके का कोई contractual obligation नहीं है कि इसमें से 20,000 रुपए जो है वो मिसेस बी के पास जाएंगे, पूरा का पूरा पैसा मिस्टर ए के पास आ रहा है और इसके बाद अगर मिस्टर ए 20,000 रुपए लेट से मिसेस बी को दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे फिर ये नहीं कह सकते कि दिस इज बेसिकली द डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक बात है। अच्छा देखेंगे, when there is a diversion of income at source by overriding title, such diverted income cannot be taxed in the hands of person who claims such a diversion. मतलब ये हुआ कि जब डाइवर्जन ऑफ इनकम हो रहा है बाय ओवरराइडिंग टाइटल तो जो डाइवर्टेड इनकम है वो फिर मिस्टर ए के हैंड में टैक्स नहीं होगा। मतलब 1 लाख रुपए में से सिर्फ 80,000 रुपए मिस्टर ए के हैंड में टैक्स होंगे और 20,000 रुपए मिसेस बी के हैंड में टैक्स होंगे। अच्छा, हाउएवर वेयर इनकम हैज अकर्ड और अराइजन इन द हैंड्स ऑफ द एसेसी इट्स अ सबसिक्वेंट एप्लीकेशन विल नॉट अफेक्ट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंड सच अप्लाइड इनकम शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ सच पर्सन। तो इसका मतलब हुआ कि मिस्टर ए के पास यदि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आ रहा है, इसके बाद यदि उस 1 लाख रुपए में से मिस्टर ए 20,000 रुपए मिसेस बी को दे रहे हैं या 10,000 रुपए अपने ड्राइवर को दे रहे हैं तो फिर मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि मेरे हैंड में 70,000 रुपए टैक्स करो और 20,000 रुपए मिसेस बी के हैंड में टैक्स करो और 10,000 रुपए ड्राइवर के हैंड में टैक्स करो। ठीक बात है, पूरा का पूरा मिस्टर ए के हैंड में ही असेसेबल होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पसेस डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स बाय ओवरराइडिंग टाइटल इज अ बेटर टूल। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब लेट्स से कि कोई मान लीजिए कि मतलब सिचुएशन है जहां पे कोई फादर है जिनके पास कोई रेंटल इनकम है या कोई फिक्स हम क्या मतलब एफडी वगैरह है जिससे लेट्स से 1 लाख रुपए की इनकम हर महीने आती है,
वो उस पैसे को, वो उस एसेट को अपने सन को दे रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि उनमें से कुछ पैसे उनकी वाइफ को भी हर महीने मिले। अब सन जो है वो बिना किसी परेशानी के अपनी मदर को पैसे दे देगा, बट ऐसा टैक्स प्लानिंग टूल फादर को क्या करना चाहिए, फादर को सन को वो प्रॉपर्टी हैंडओवर करने से पहले ही एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत उसमें से कुछ पोर्शन अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि सन के हैंड में सिर्फ 80,000 रुपीज लायबल टू टैक्स होंगे और उनकी वाइफ के हैंड में 20,000 रुपए लायबल टू टैक्स होंगे। तो ये टैक्स प्लानिंग के पर्पज से भी एक ज्यादा बेहतर टूल है। इस बात को समझेंगे डियर, नए सिलेबस में टैक्स प्लानिंग की तरफ ज्यादा फोकस है ऐसी आएगा। सो फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पसेस डायवर्जन एट सोर्स बाय ओवरराइडिंग टाइटल इज अ बेटर टूल। अच्छा, तो मैं आपके साथ आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में आपके साथ पीजीबी भी शुरू करेंगे और क्वेश्चन बैंक भी आपके पास अवेलेबल होगा, या तो हार्ड कॉपी में या तो सॉफ्ट कॉपी में। उसके भी क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करें। फिर आज के लिए सबको बाय बाय।